तो प्रणाम आप सबको। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जस्ट आई वुड लाइक द फीडबैक बिकॉज आई डोंट नो। थम्स अप भी किया तो चलेगा, मुझे समझ आएगा कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक। थैंक यू। तो ये लाइव है, आज का सेशन जो है ये लाइव है। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको। लेट मी लाइव इट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। यूट्यूब पे भी हम लाइव है और इंस्टाग्राम पे भी लाइव है और जूम पे तो है ही। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जूम के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, रेगुलरली यहाँ पे सत्संग होते हैं। और आज मुझे अंदर से ये ऐसा एक स्ट्रांग ये आया कि मुझे इसको शेयर करना ही है। कोई रीज़न पता नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है वी गो विद द फ्लो, जो जैसे ठीक लगे ऐसे हम फॉलो करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट मोमेंट को ही लगा कि इसको लाइव करना चाहिए तो हमने कर दिया। तो ये कुछ ऐसे, ये तो रेगुलर चलते हैं हमारे सत्संग जो है, ऑलमोस्ट एवरीडे चलते हैं। आवाज़ मेरी रिपीट हो रही है आपको? आई डोंट नो रिपीट क्यों हो रही है। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे कुछ ऑफ करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे, ये तो रेगुलर चलते हैं हमारे सत्संग जो है, ऑलमोस्ट एवरीडे चलते हैं। ओके, आई डोंट नो, ये पहली बार कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक कि क्या है। एक्चुअली लैपटॉप पे कर रहा हूँ टाइम, तो साथ ही साथ मोबाइल पे भी चल रहे हैं यहाँ पे। सो इज इट फाइन ऑन इंस्टाग्राम? डू यू फील एनी डबल वॉइस हियर? प्लीज रिस्पॉन्ड बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट श्योर वाई इट हैपन्स। Now it's okay. Oh good. I didn't do anything. Okay. Instagram also fine, people are saying. YouTube also fine, I hope. I can't see YouTube. Let me see where it is. Oh yeah, I can see on YouTube also. So, jo bhi YouTube pe bhi hai, welcome to all of you. So, I just wanted to leave this recording back because it's a very nice recording. So those who have the courage to be online can keep your cameras on. इसको फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको फ़र्क पड़ता है वो स्विच ऑफ करके सुन सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज लाइव हियर एंड देर। तो इतने दिन से हम बहुत कुछ करते आए, इतने दिन नहीं इतने सालों से करते आ रहे हैं। एंड आर पास्ट रेगुलर सत्संग जो हो रहे हैं वो टू गो एंड रीच द अल्टीमेट। हमें चिदाकाश गीता हमने किया अभी, तो चिदाकाश गीता पर ही आधारित है। अगर हम देखेंगे तो निर्वाण शतकम जो है आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था इसके बारे में। एंड नो डबल, थैंक यू। तो निर्वाण वर्ड ही पता है आपको, शतकम तो चलो वर्सेस निर्वाण इज वर्स। निर्वाण का मतलब ही लिबरेशन है, मुक्ति मोक्ष। तो मैं पिछले 2 साल से यही प्रयास कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि मोक्ष क्या होता है और ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन रहा मैं भी, मेरा लगभग काफ़ी जिंदगी उसी में गया। मैं सोचता रहा कि आत्म साक्षात्कार ये है, मुक्ति ये है। और बाद में जैसे मुझे अनुभव हुआ थैंक्स टू अरुणाचला, क्योंकि अरुणाचल तत्व शिव तत्व है जो लास्ट का तत्व है, जो पर भैरव की स्थिति है।
या फिर परम शिवा की स्थिति है, या फिर पर ब्रह्मन कहो, ये सब वर्ड्स के ही डिफरेंट डिफरेंट अनुवाद हैं। वैदिक कल्चर में, वैदिक ट्रेडिशन में उस निर्गुण निराकार को पर ब्रह्मन कहते हैं। ब्राह्मण आत्मन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मन को कहते हैं और परमात्मन को पर ब्रह्मन कहते हैं। उसी प्रकार से शैवाइट्स जो हैं, शैवाइट्स यानी शिव को जो मानते हैं, शिव को जो पूजा करते हैं, उन्होंने उसी तत्व को, निर्गुण निराकार को पर शिव कहा, परम शिव। शिव यानी आत्मन, परम शिव परमात्मा। क्योंकि इतना कंफ्यूजन रहा मैं भी, मेरा लगभग काफी जिंदगी उसी में गया, मैं सोचता रहा कि वही शाक्त में भी पराशक्ति अल्टीमेटम, बाद में जैसे मुझे परा इस अल्टीमेटम, परा यानी अद्वैत, परा यानी भिन्न नहीं, भेद नहीं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक है हमारा जो परभैरव की स्थिति है या फिर परम शिव की स्थिति है या फिर भक्ति है, परब्रह्मन अपरा भक्ति और परा भक्ति, अपरा यानी भेद भक्ति, अभेद भक्ति को परा भक्ति कहते हैं। परा इज कंप्लीट एंड वन, निराकार को परब्रह्मन, पूर्ण ब्राह्मण आत्मन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। तो वो पूर्णता को ही परा कहते हैं। तो परब्रह्मन, परा शिवा, परा शक्ति, कुछ भी बोलो, इन चीजों में उलझना नहीं। सीकर्स ऑफ लिबरेशन डोंट गेट स्टक अप इन शिवा इज माइन, शक्ति इज माइन, ब्राह्मण इज माइन, ये सब ईगो के दूसरे लक्षण है। सूक्ष्म अहम होता है जहाँ ये भी भेद हम रखते हैं कि नहीं शिव ही सुपीरियर है, नहीं ब्राह्मण ही सुपीरियर है, या नारायण तत्व ही सुपीरियर है, या फिर शक्ति ही सुपीरियर है। जिस स्टेट से, जिस स्थिति से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ये सब भेद नहीं होता बिल्कुल, नहीं तो आपको निर्वाण षटकम समझ नहीं आएगा। निर्वाण षटकम मैं जिंदगी भर बहुत बार गाया हूँ, इसको समझा हूँ, बहुत अच्छा लगता था मुझे पहले से ही, लेकिन हमेशा देखना, निर्वाण षटकम जो भी गाता है वो एक स्तुति के तरह गाता है, वो शिव की पूजा करता है, हालांकि यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। ये तत्व जब तक हम समझेंगे नहीं, उस परा तत्व को समझना मुश्किल है। इसके लिए कश्मीर शैविज्म को अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर पता चले। अरुणाचल तत्व तो हमने इतने देर बात किया, इतने साल, देवी कालोत्र जिन्होंने भी कोर्स किया है, कोर्स तो सारे कोर्सेस पड़े हुए हैं, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है चिदाकाश गीता, अवधूत गीता, और ये देवी कालोत्र, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे काम करते हैं। ये सेल्फ आत्मन को दर्शाता है, परमात्मन की स्थिति को बताता है बिना भेद का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अद्वैत तत्वम, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आएगा। समझ आएगा लेकिन कुछ और चला जाएगा, आप भक्त बन जाओगे, शिव के भक्त बन जाओगे। ये शिव की भक्ति वाली नहीं है, ये स्थिति है ये महसूस करने की, मैं ही शिव, मैं ही शिव। क्यों? पराभक्ति है, पूर्ण, जिसको मैं पूजता हूँ मैं ही हूँ, पूजने वाला मैं, जिसको पूजता हूँ वो भी मैं, पूजा भी मैं। The experiencer, the experienced and the experience, जो experience कर रहा है, जिसको experience कर रहा है और वो experience, ये तीनों जब मिलता है तो परा होता है। तो ये अलग प्रकार की स्थिति है जहां पे आप वर्णन नहीं कर सकते, ना किसी की पूजा करते हैं, ना भक्ति कर सकते हैं, ना स्तुति कर सकते हैं। ये निर्वाण षटकम इज नॉट स्तुति, माय डियर्स, परमात्मन की स्थिति को बताता है। हालांकि आई डोंट नो, अध्यात्म में बहुत इसका स्तुति करके ही गाते हैं इसको, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, समझ आएगा लेकिन कुछ और चला जाएगा, निर्वाण नहीं हो सकता।
तो इसके लिए हम इस तत्व को आज समझते हैं। ये तो मैं इंटरनल अपने जो भी वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड हैं उन लोगों को ये सब बताते ही रहता हूँ, और जो बहुत सीरियस है वो इस चीज को मानते भी है, वो जूम में आते भी है। जूम में जो भी हम करते हैं ये बहुत सीरियस होता है और ये बहुत सीक्रेटिव है, क्योंकि ये तत्व जो है इसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता। जैसे हम लाइव करते हैं ना, ये सब नहीं कर सकते वहां पे, ये सिर्फ ओनली डेडिकेटेड। इसलिए जैसे हम डीप डीप जाते हैं, मैं सिर्फ कमिटेड लोगों के साथ ये शेयर करना पसंद करता हूँ, और डेफिनेटली उनको ही लाभ होता है, क्योंकि ये सब दुविधाएं होती है उसके अंदर। हम जो करते हैं हमको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया करते हैं, हम भी करते हैं, कभी हमने उस पर अध्ययन नहीं किया, कभी उस तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया, कभी उस पर ध्यान नहीं किया, ध्यान छोड़ो, कभी उस पर चिंतन मरण स्मरण नहीं किया, कभी शोध नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं किया। इन मान्यताओं ने, किसी ने हमको बताया, कोई गाना गाया, आई एम नॉट द बॉडी आई एम द सोल, हम भी गा पड़े, ना उसका बोध है ना अर्थ पता। अर्थ अगर पता है तो गाएंगे नहीं, गाना जैसे नहीं गा सकते उसको। ये सब स्थितियां हैं, आप उस स्थिति में जाके ये सब एक तरह का प्रैक्टिस है, सूक्ष्म प्रैक्टिस है, तप है ये, नहीं तो ये एक और एक अध्यात्म का वासना हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, हम बाहरी दुनिया से आते हैं, ठुमके उमके लगाते हैं, पब वब जाते हैं, और जैसे ही हमारे कुछ चेंजेस हो जाते हैं और हमको सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट हो जाता है या फिर अवेकनिंग हो जाता है, और फिर हम पथ पे आते हैं। पथ पे आने के बाद कोई भी पाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन वासना ही नहीं जाती। अब वो वासनाएं ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वहां पब में ठुमकी लगाया, अब जागरण में ठुमकी लगाते हैं। लेकिन इसका बोध नहीं होता अपने को। ये हम गाना गाते हैं स्टेज पे, हम भजन करते हैं, तो भजन के वासना से लेके जब हम आके पराभक्ति करते हैं, बड़ा कठिन है, वासना वही है, और आदमी उसको सोच भी नहीं सकता। अगर उनको बताओ तो भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को अपना ब्रह्म नहीं छोड़ना है, किसी को अपनी मान्यताएं नहीं छोड़नी है। ये सब हजारों कॉन्सेप्ट्स और हजारों बिलीफ लेके बैठे हुए हैं, पथ पे भी सारे लेके बैठे हुए हैं, इसलिए गति नहीं होती। एक हद तक तो चले जाते हैं, मजा आता है, मजा आता है, मजे के बाद सजा मिलता है, फिर बोलते हैं कि अब क्या। किसी को भी पूछो अध्यात्म में आगे क्या, किसी को पता नहीं। लास्ट सबको इतना ही पता है कि ध्यान करना है, ध्यान के बाद समाधिस्ट होना है, और मैं वो सारे मिथ्याओं को यहाँ तोड़ता हूँ। समाधि नशा है, एक बेवड़े में और एक जो सिर्फ आंख बंद करके समाधि में बैठता है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी एस्केपिज्म है। दुनिया से परेशान हो के पूरे दिन रात हमको जो मनमानी हमको करना है करते हैं, फिर रात को आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा दरवाजा बंद करके मेडिटेशन होता है हमारा, जिसको हम साधना या तप भी कहते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं, हमको बोध नहीं होता, वो भी क्वालिटेटिव नहीं होता। सारे दुनिया भर के बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट लेके बैठ, मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक बिलीफ और कॉन्सेप्ट है, निर्वाण शटकम नहीं हो सकता, कुछ और ही करते रहेंगे हम। मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, अगर आप में सुनने की हिम्मत है, आपको खराब भी लग सकता है, क्योंकि आपनी आपकी मान्यताओं को ठेस लग सकता है, जो आपकी पूंजी है, जो आपने तिजोरी में अच्छे से रखा हुआ है संभाल के। दिस पाथ इज फॉर द करेजस, जो छोड़ के निर्लंब हो सकता है हर एक तत्व को, वही निर्वाण षटकम की स्थिति तक पहुंच सकता है, उसको अनुभव भी कर सकता है। चिदाकाश की स्थिति क्या है, इसलिए आप देखो फोटो भी मैंने कोई भगवान का नहीं लगाया इसमें, निर्वाण षटकम, ना शिवलिंग लगाया, ना शिव की कोई फेस इमेज लगाया, ना उनके जटाओं का कोई वर्णन किया, ना त्रिशूल सिंबल है,
ना थ्री आईज है, क्योंकि आप लोग अभी जान चुके हैं, जैसे हम डीप जा रहे हैं और शिव सूत्र को हम रिवील कर रहे हैं और विज्ञान भैरव तंत्र को हम समझ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो कि शिव भी ये नहीं चाहते, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जब तक आपके मन में एक भी कल्पना है, एक भी विकल्प है, आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो विकल्प भले ही उनका चित्र को लेके एक हो, एक इमेज भी आपको रोक सकता है उस स्थिति में, परा की स्थिति में अनुभूति लाने की। कम लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन जो पूर्ण होना चाहते हैं, जो कंप्लीटली इसमें इसका रस लेना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं और मोक्ष मुक्ति क्या है इसको इस पे अध्ययन करना चाहते हैं, वही साहस रखते हैं, वही दुस्साहस कर सकते हैं इन सब मिथ्याओं को भंग करने का, क्योंकि अध्यात्म में भी ये मिथ्याएं लेके चलती हुई है। पूरे आप कहीं भी देख लो, भीड़ भेड़ मिथ्याओं से भरा हुआ है। इसलिए मेरा मन नहीं मानता था कभी भी, क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं एक स्थिति में बैठ रहा हूँ, मुझे ये सब अलग ही लग रहा है, और मुझे कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक मेरे दिमाग में यंत्र तंत्र मंत्र हैं, मुझे मालूम है मैं वहाँ उस स्थिति को समझ नहीं पाऊंगा जो चिदाकाश की स्थिति है। अब बताओ चिदाकाश में कौन सा यंत्र तंत्र मंत्र यूज किया गया? अवधूत गीता में कौन सा यंत्र तंत्र मंत्र यूज किया गया है? योग वशिष्ठ में कौन सा यंत्र तंत्र मंत्र यूज किया गया? भले कि भगवान राम के भी भगवान शिव ही थे, शिव की ही पूजा आराधना करते थे, लेकिन एक शब्द भी शिव का क्यों नहीं है योग वशिष्ठ में? किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने पूछा नहीं, किसी को जानना ही नहीं है, क्योंकि सब नाम रूप में मग्न है। ठीक है, वो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वो द्वैत है। हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वहां वो नहीं होता, द्वंद जहां है वहां परा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा जो लोग इसको समझ पाते हैं और जिसको जो इसको सीरियसली लेते हैं, मैं उधर ही बात करना चाहूंगा। इसलिए 2 साल से मेरा लाइफ सब बंद है, और मैं अति प्रसन्न हूं, बहुत बहुत बहुत। आई फाइंड वेरी मच हैप्पीनेस इन शेयरिंग विद लिटिल पीपल, वो भले रिट्रीट्स हो, वेबिनार्स हो, जूम सेशंस हो, वो लोग वो जो फ्रीक्वेंसी में जो समझना चाहते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही नहीं, लेकिन इन शास्त्रों पे, इन तत्वों पे जिसका हम उल्लेख भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि आप मुझे नहीं मानोगे, क्योंकि सब मेरा क्रिश्चियन शरीर देखता है, ये तो क्रिश्चियन बॉडी है, जरूर इसके अंदर कुछ तो रहेगा, वो तो पहले से ही डाउट करते आए लोग, संभलना इसका कोई इंटेंशन गड़बड़ लग रहा है। सत्य बोलेगा अपने समय पे, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई धर्म परिवर्तन करना, या कोई धर्म में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, ना जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसमें कभी रुचि रही है, ना जिन शास्त्रों को पढ़ता हूं जो क्लेम करते हैं ये भलाना ढिमकाना धर्म का है, ना उन धर्मों को, ना कोई धर्म से आया हूं, ना कोई धर्म में जाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म नहीं है ये। अगर आप निर्वाण शटकम समझोगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझोगे। तो मैंने देखा कि वो शिव वो तत्व ही मुझे समझ सकता है, तो क्यों ना मैं उसको ही सुनाऊं और उसमें रमो। दुनिया से क्या बात करनी, दुनिया से क्या पूछना, दुनिया को क्या प्रूव करना, क्योंकि सब अपना अपना कुछ प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ चिदाकाश गीता कुछ अलग बोल रहे हैं, अवधूत गीता कुछ अलग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं बैरियर्स नहीं, क्योंकि सब मेरा क्रिश्चियन शरीर देखता है, ये तो क्रिश्चियन बॉडी है, जरूर इसके अंदर कुछ तो रहेगा। क्वेश्चंस आप बाद में पूछे, मैं सबका उत्तर दूंगा आपको, और जिसको अच्छे से उत्तर चाहिए यहाँ जूम में आके बैठिए, सारे उत्तर आपके मिट जाएंगे, एक भी उत्तर ना हो, इसलिए हम हर वीक क्लैरिटी सेशन रखता हूँ। तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट, यहाँ पे सब भेद मिटता है, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर मैं कोई तत्व पे बात करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसको पूर्णता समझाऊं, मेरा हक, मेरा धर्म बनता है। तो कोई कवर अप नहीं होता यहाँ पे,
तो पहले आपको तत्व समझना पड़ेगा, पहले शांत बैठना पड़ेगा। यही भगवान शिव ने माँ पार्वती को बोला, पहले आप निश्चल हो जाओ। अगर आप निर्वाण षटकम समझोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो चंचलता है वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट करती है। लॉजिक, तर्क, रीजनिंग वो सब ठीक है, लेकिन जब स्मरण का वक्त है, सत्संग होता है स्मरण का वक्त, पहले समझे उस चीज को, पूर्णता सेटल होके समझे, फिर अंत में अगर ना समझ आए तो पूछिए। शब्द खत्म होने से पहले ही अगर आप टूट पड़ेंगे क्वेश्चन पूछने या अपने बिलीव्स को थोपने, जो हम करते आए हैं उम्र भर, कहीं कुछ नहीं पाएंगे। सत्य की जो खोज है वहां स्मरण होता है, सत्संग में हमेशा स्मरण होता है, जो स्मरण करता है वो पाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अंधभक्त बनो, जो मैं बोल रहा हूं मैं तो खुद सिखाता हूं लोगों को, क्वेश्चन करो, जो भी आपको जो भी सिखाए समझ नहीं आया तो उठ के पूछने का हिम्मत रखो, उनका अधिकार बनता है कोई भी जो आपको सिखाए। जो अगर आपको मुक्ति बोले तो पूछो, हर एक चीज मुक्ति कैसे मिलेगी, द्वंद्व से कैसे मुक्ति मिलेगी पूछो, मुझे भी जानना है, मुझे पहले से इच्छुकता थी। द्वैत से, पूजन से कैसे मिलता है, ये अगर आपको समझना है डेप्थ में, उपदेश सारम कीजिए, ये भी कोर्सेस में पढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर जो चंचलता है, बहुत क्लियरली अरुणाचल तत्व सब एक्सपोज कर चुके हैं, और उन अरुणाचल तत्व के सीक्रेट्स को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, लेकिन जब क्योंकि हम जानते ही नहीं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो लोग फर्स्ट रिएक्शन था शॉक। जैसे भगवान शिव ने बोला कि उस स्थिति में, सबके लिए नहीं है, भगवान शिव ने आगम निगम शास्त्र बनाया, उन्होंने बनाया कि मंदिर कैसे बनाओ, उन्होंने समझाया कि यंत्र कैसे करे, मंत्र के क्या प्रभाव है, ये सब उन्होंने बताया, सब ठीक है, लेकिन फिर वो अंत में जाके जो फाइनल गोल है वहां पे वो बताते हैं माँ पार्वती को, देवी कालोत्र में या फिर उससे भी डीप जाओ विज्ञान भैरव तंत्र में, वो माँ पार्वती को वहां बताते हैं कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जो भी मैं बताता हूँ यंत्र तंत्र मंत्र, ये मंद बुद्धियों के लिए, जिसकी बुद्धि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जिसकी मंद है, जिनको समझ नहीं आ सकता मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है, उनके लिए कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, और मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। बहुत क्लियरली अरुणाचल तत्व, शॉकिंग लगेगा आपको, भगवान शिव ने ही बोला, और उन अरुणाचल यंत्र तंत्र मंत्र सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माँ पार्वती पूछती है, हे परमेश्वर, भगवान शिव ने बोला कि कोई आपको अर्धनारेश्वर बोलता है, कोई प्रणव मंत्र बोलते हैं, कोई अर्धचंद्र बोलते हैं, कोई आपसे जटाओं से आपको कनेक्ट करते हैं, कोई बोलते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो, कोई बोलते हैं कि अर्धनारेश्वर आधा हो, अंत में जाके कोई बोलते हैं कि ईड़ा पिंगला नाड़ी हो, कुंडलिनी शक्ति क्या हो आप, क्योंकि मैं खुद हे प्रभु कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आवश्यकता नहीं है, ये सब जो भी मैं बताता हूं यंत्र तंत्र मंत्र, ये मंद बुद्धियों के लिए। तो भगवान शिव बोलते हैं, जिसकी बुद्धि अभी ये सब जो भी आपने अभी कहा, अर्धचंद्र या फिर अर्धनारेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि मंद है, जिनको समझ नहीं आएगा मेरा असली स्वरूप क्या है, तो उनको बोलना पड़ेगा, तो ये उनके लिए सही है। मतलब प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कक्षाएं होती है, तो वहां पे ये सब स्टेप बाय स्टेप, कुछ तो आधार चाहिए, क्योंकि ये मन बुद्धि अहंकार जो है ये ऐसे ही मानेगा नहीं, कोई चीज को समर्पित नहीं हो सकता, छलांग नहीं लगा सकता चिदाकाश में, उसको आधार चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है, भय है। भय क्यों होता है? अहम अहम वृत्ति जब तक है द्वंद्व होता है, मैं का भाव द्वंद्व होता है, द्वंद्व होते ही भय आया, कोई मुझे मारेगा, मृत्यु मुझे ले जाएगा, मैं अलग, शरीर अलग, परमात्मा अलग, सब बट गया। तो जो बट के जीता है उनको समझ नहीं आएगा, परा, परा की भाषा, परा विद्या समझ नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आएगा, ब्रह्म विद्या समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए आधार है।
कि पहले कुछ तो पकड़ ले, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यंत्र तंत्र मंत्र है, क्योंकि ये उससे तो बेहतर है, कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई पशु वृत्तियों में क्या क्या कर रहा है, उससे तो बेहतर है कि बंदा के अंदर परम तत्व की तरफ एक वासना है, सद्वासना है, ये सब विषय वासना है दुनियादारी, उसके अंदर सद्वासना, सत की वासना, भगवान की वासना जागृत हो, भगवत की वासना जागृत हो, समर्पित नहीं हो सकता, छलांग नहीं लगा सकता, तो वो उनके लिए उसको एक दिशा मिलती है उनको पहले, तो वो धार्मिक बन जाते हैं, कोई बात नहीं। जब तक है द्वंद होता है, मैं का भाव, धीरे धीरे जैसे उनकी गति होती है तो धर्म वर्म छूटता है, अध्यात्म में आ जाते हैं, मैं अलग, शरीर अलग, फिर धर्म और नारों में कुछ लेना देना नहीं है, नारे लगाओ। आप देखोगे शुरुआत इससे होती है, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, प्रेज द लॉर्ड, अहम दिलुल्ला, ये सब होता है स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे अद्वैत वासना बढ़ता है और पूर्णता की ओर एक साधक बढ़ता है, तो ये नारे बंद हो जाते हैं, कोई जय श्री राम नहीं बोलता, फिर कोई हर हर महादेव नहीं बोलता, कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता, कोई जय जिनेंद्र बोल के नारे नहीं, कोई प्रेज द लॉर्ड जीसस इज द सेवियर नहीं बोलता, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता, क्योंकि ये सब नारे बंटवारे का है, बटे हुए हैं, ये अहम जब बटता है तो वो मैं मेरा करते हैं, कौम, ये कौम मेरा, ये धर्म मेरा, ये पत मेरा, ये हमारा लीनिएज, हम इस परंपरा से हैं, और आप डीप जाके देखो, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए इतना गारंटी से कह रहा हूं, उस स्थिति में और उस डायमेंशन में ऐसा नौटंकी कुछ नहीं है, ये सब मनुष्यों का अहम की से निकला हुआ एक एक तत्व है, अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाया लोगों ने, बड़ी अजीब लगती है जब ये अध्यात्म में भी मुझे दिखने लगता है। मैं तो सोच रहा था चलो वो अज्ञान तो सब में है, ठीक है, लेकिन अध्यात्म में भी, तो फिर फर्क क्या है अध्यात्म में और एक अज्ञान मनुष्य में, फर्क क्या है? इसको मल बोलते हैं, शिव सूत्र में मल बोलते हैं, तीन लेवल के मल होते हैं, आणव मल, मायाई मल और कर्म मल। आणव मल पहले अहम का, अहम आने की वजह से ही सब जड़ का फसाद हुई, फसाद का जड़ शुरुआत, सेपरेशन जो हुई वो चैतन्य से, उसने एक स्वरूप ले लिया अपना, मैं का भाव आ गया, वो आणव मल, मल इम्प्योरिटी, क्योंकि मैं का भाव आ गया, अब जो सामने माया है द्वंद सेपरेट हो गया, अब माया दिखी, माया ही मल मुझे पकड़ लिया, जैसे ही माया ही मल मुझे पकड़ लिया, कर्म मल शुरू हो गया, लेन देन का चक्कर शुरू हो गया। लेन देन जब तक आप माया से टकराते नहीं हो, जब तक इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तब तक नहीं पड़ेगा। तो कर्म बनता है माया से, माया कैसे आई? आणवमल से। आणवमल कैसे आया? अहम से। तो अहम जड़ है, जहां सब से बड़ा शुरू हुआ, और मैं उस तत्व को लेके बोल रहा हूं। अब मल यानी इंप्योरिटी, चिदाकाश गीता को ले लो, वो बोलते हैं मन को अगर निश्चल करना है, क्योंकि शिव निश्चल है, चंचल नहीं है, शक्ति चंचल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये चंचलता हमारी सुनते नहीं है, बैठते नहीं है, मन बैठेगा नहीं, मन इस तत्व को समझेगा नहीं, मेडिटेटिव नहीं होगा, चंचल हो जाएगा, तुरंत उसको कुछ प्रूव करना, कुछ क्वेश्चन करना, कुछ रिजेक्ट करना, कुछ डिनाई करना अंदर से शुरू हो जाता है, अहम वृत्ति का खेल है, जिसको महिषासुर बोलते हैं, जो मरना नहीं चाहता, ये तत्व जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उस तत्व को मारने की, महिषासुर, और वो मरेगा नहीं, उठ खड़ा होएगा, उठ भागेगा, इसलिए सत्संग से लोग उठ के भागते हैं, ये जूम में नहीं भागते कोई, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं किस तत्व के बारे में बात करते हैं, हौसला और धैर्य, और पहुंच चुके हैं, दे आर वेरी राइप मैच्योर सोल्स, अब वो डाइजेस्ट कर चुके हैं बात को, तभी वो आगे बैठ के
समाधिष्ट होके भी बैठ सकते हैं, घंटों घंटों भर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि निश्चल हो गया, हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, शरीर भी हिलता नहीं, मन भी हिलता नहीं। रिट्रीट्स में आके देखो, छः छः घंटे, पाँच पाँच घंटे कोई हिलता नहीं है, बैठे रहते हैं निश्चल होके। क्यों? राइप सोल्स, जिसने जिन्होंने दुस्साहस किया अरुणाचल तत्व को स्वीकार करने का। रमण भगवान जो है वो सिर्फ वही बात करते हैं अरुणाचल तत्व, इसलिए अरुणाचल तत्व से ही निकला देवी कालोत्र, सर्वज्ञानोत्र, उपदेश सारम। ये तीन आप कोर्सेज में जरूर करना अगर आपको डीप में इसके सीक्रेट जानना है। देवी कालोत्र जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया, लास्ट ज्ञान, लास्ट डिस्कोर्स, लास्ट उपदेश, इसके आगे कुछ नहीं। यानी हमको भी अगर लास्ट स्थिति तक जाना है तो लास्ट तत्व को ही पकड़ना पड़ेगा, जिसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। इस देवी कालोत्र को ही काल ज्ञान कहते हैं, जो काल भैरव का ज्ञान है, महाकाल का ज्ञान है। महाकाल कौन? वो नहीं जो चित्र में आप लगा के पूजा करते हो, वो नहीं जिससे आप भयभीत होकर बैठे हो कि मार डालेंगे, वो नहीं जिससे आप मिन्नते मांगते हो कि इसको मारो उसको मारो। काल भैरव तत्व जब आप समझेंगे बड़ा सुकून महसूस हो जाएगा, जिसने वो भीतर से जागृत होता है, बाहर नहीं है। जैसे हमारी वासना वैसे हमको दिखता है, जैसे हम द्वंद हुए तो हम सारे इन तत्वों को भारी पूजा करेंगे, तब वो उग्र होते हैं, तब महाकाल से डर लगता है और महाकाली से डर लगता है। लेकिन जब ये भीतर से इनका आगमन होता है तो आपको सिर्फ प्रेम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये तत्व मारते नहीं है माय डियर्स, ये तत्व मल को मिटाता है। और मल क्या है? आणव मल, माया ही मल, कर्म मल, यानी मैं ही मल है सबसे बड़ा फसाद का जड़। और मल यानी गंदगी नहीं है, ठीक है ना? इसको मैं स्पष्ट करता हूँ, काफी सारे लोग जो शिव सूत्र करते हैं उनको लगता है वो वही बोलते हैं ये मल मुझे साफ करना, नहीं। शिव सूत्र मल के बारे में बात ही नहीं करता, इम्प्योरिटी। मल यानी इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञानता, उसको मल बोल रहे हैं। यानी अभी अगर मैं अज्ञान हूं इन तत्वों के बारे में, मेरे में मल है। जैसे ही मुझे ज्ञान हो गया, बोध हो गया, शिव सूत्र क्या कहना चाहता है, मेरा मल हट गया, बड़ा सुकून महसूस, सीधे आप अनुभव में जा सकते हो। भीतर से अब वही मल को भगवान नित्यानंद ने बोला कि पहले मन को निर्मल करो, जैसे हम द्वंद हुए, मल हटाने का तत्वों को भारी पूजा करें। जो भी उपलब्धियां हैं वो चिदाकाश गीता में बता, चिदाकाश गीता भी पूरा कोर्स है, कर लेना, 50 घंटे के ऊपर है, विथ मेडिटेशन है, वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन का प्रयास किया हमने, वो भगवान नित्यानंद के अनुग्रह से ही हो सकता है, नहीं तो हमारी औकात क्या है। ये तत्व मल को मिटाता है, उसमें भी जाके जानो आप, मल क्या है, आप शॉक हो जाओगे कि जो नित्यानंद आप देखते हो, जिसकी आप प्रशंसा करते हो, जितने जितने फोटो लगाते हो, जितने आप इंप्रेस होके बैठे हो, उन्होंने ट्रेन रोका, ये किया, वो किया, मैं हमेशा पूछता हूँ उन्होंने ट्रेन रोका, आपको क्या? क्या वो ये प्रदर्शन करने आए थे कि वो ट्रेन रोक सकते हैं या किसी को हील कर सकते हैं? आपने समझे नहीं, फिर नित्यानंद तत्व को समझे नहीं, वो इनसे सब बहुत कोसों दूर है। ये दिखावा, ये नौटंकी, इंप्रेस करना लोगों को, ना वो फॉलोअर चाहते हैं ना डिसाइपल चाहते, इसलिए भगवान नित्यानंद ने बोला इसका ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, ये आपको निर्वाण शतकम में मिलेगा। इसलिए मैं जानबूझ के अब सारे अवधूत गीता के वर्सेस को भी डाल रहा हूं सामने, ताकि आप समझे, कंफ्यूज ना हो कि अवधूत कौन है। ये वो स्थिति है परभैरव की स्थिति, जो परमात्मन के स्थिति में पहुंच गए हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिनको अपना शरीर से कोई लेना देना नहीं, ये तक उनको बोध नहीं कि मैं अवधूत हूं, ये तक बोध नहीं कि मैं इंडियन हूं, ये बोध नहीं कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, पुरुष हो या नारी हूं, वो तक उनको बोध नहीं है। वो स्थिति है, वो परभैरव की स्थिति है। जितने आप इंप्रेस होके बैठे, उन्होंने ट्रेन रोका, तो लोग उनको नॉर्मली साधु संतों से जोड़ते हैं, नहीं, साधु संत में गुण होता है,
क्या वो तीनों में से एक गुण तो होता है, सात्विक गुण ही सही, बहुत ही डिवाइन सेंट हो सकते हैं, लेकिन गुण है वो, सूक्ष्म गुण है कि वो जानते हैं कि मैं संत हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं जो भी हूँ, पता होता है उनको। अवधूत को बोध भी नहीं है कि मैं अवधूत हूँ। जैसे शिव तत्व को अगर आप जानो, सही से जानो, आप जानोगे कि शिव को तक ये आभास नहीं कि मैं शिव हूँ। आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, बोलोगे ये क्या है, शिव को पता नहीं हो, नहीं, आप द्वंद की बात कर रहे हो। जिसको पता होता है कि मैं कौन हूं, तो द्वंद है वहां पे। एक तत्व है वो जानता है कुछ और के बारे में, अपने बारे में जानता है, दो है तत्व वहां, अभी भी भेद है। ये बोध नहीं कि मैं लड़का हूं, कितना सूक्ष्म है वो भेद। जब मिट जाता है तो वो परब्रह्मन परशिवा स्थिति है वो, और वहां पे ना कोई चित्र है, ना नाम, ना रूप। That is निर्वाण शतकम। साधु संतों से जोड़ते हैं, नहीं, साधु संत में गुण होता है। तो इसको गाने से थोड़ा मजा आएगा, उतना ही सुकून मिलेगा। ये सुकून वाला तत्व नहीं, सुकून के लिए लोरियां गाओ, लेकिन गुण है। बहुत सारे भजन भी है, गाओ। वो सूक्ष्म गुण है कि वो जानते हैं कि मैं, आश्वासन देने वाले भजन है कि कोई आएगा हमको ले जाएगा, कोई आएगा हमको मुक्त कराएगा। बाहर से ही कोई तो आने वाला है, कोई अवतार आएगा। शिव सूत्र कुछ और ही कहता है, शिव तत्व को अगर ये तुम ही अवतार, आप जानोगे कि शिव को तक, तुम अपने आप को जानो, मुक्त हो जाओगे। अपना तीसरा नेत्र खोलो, बाहर से कोई आपका तीसरा नेत्र नहीं, उनका तीसरा नेत्र खोल के आपको भस्म नहीं करने वाला। ये चीज आप समझ लो अच्छे से, ये शिव तत्व नहीं है, ये अज्ञानता वाला ज्ञान है कि शिव मार डालेंगे। मैं पूछता हूँ, शिव अगर मार डालेंगे तो असुर और भगवान में क्या अंतर है? आप तो कहते हो अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव यानी कि तुम मुझे गाली दो तो मुझे क्या, तुम मेरी पूजा करो तो मुझे क्या। इसलिए तो शिव बैठे हैं वहां पे, दिखाते हैं ना सिंबॉलिकली। एक लेफ्ट साइड में असुर खड़े हैं, राइट साइड में देवता खड़े हैं, दोनों प्रणाम कर रहे हैं। शिव को कोई लेना देना नहीं, ना उनके प्रणाम से लेना देना है, ना इनके झगड़ों से लेना देना है, ना इनके ईर्ष्या से लेने देना है। वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, यानी कि वो कोई है नहीं बंदा वहां पे, वहां कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है वहां जो बैठे हैं आंख बंद। सिंबॉलिक है आपको बताने के लिए। परम चैतन्य क्या है, ऐसे ही है, चैतन्य का कोई रूप नहीं है। क्योंकि ये समझ नहीं पाते हम इस चीज को, तो चित्र करना पड़ता है, तो बताना पड़ता है कि वो रम के बैठे हुए हैं। वही तो लास्ट को बता रहे विज्ञान भैरव तंत्र में कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ नहीं पाएंगे उनके लिए हैं, लेकिन जो समझ सकते हैं वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए देवी कालोत्र में जो मैंने स्टार्टिंग में किया, बहुत लोगों को डर लगा। ये उनके लिए नहीं है जो डरते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी काम है। द्वंद में अभी भी काम है, द्वैत में अभी भी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, यंत्र तंत्र मंत्र सब चाहिए, लेकिन एक स्थिति के बाद वो छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता है। परा भैरव ही निकालता है। मैं इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको, आज नहीं फिर कोई सत्संग में, कि परा भैरव कैसे हटाएगा आपके यंत्र तंत्र मंत्र को भी, क्योंकि हटाना पड़ता है तभी जब कुछ शेष नहीं रह जाता, वो रह जाता है। वो बैठे हैं यानी कि दैट इज चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कोई इंडिविजुअल नहीं है वहां जो बैठे हैं, आश्वासन है, सिंबॉलिक है आपको बताने के। जब सब मिटता है, जब कुछ भी नहीं रहता, ऐसे ही है चैतन्य का, तब जो बसता है वो शिव है। और जो शिव आप बोल रहे हो, जो लास्ट को बसता है, उसको भी देखने वाला नहीं रहता। देखने वाला है तो अभी तक वो शिव को जाने नहीं है। जिस दिन वो उसमें रम गए और शिव और उसमें अंतर नहीं है, एक ही आभास है कि मैं हूं। इसलिए देवी कालोत्र में जो आई एम प्योर अवेयरनेस, एक अवेयरनेस है, जो डरते हैं बस जागरूकता है, चैतन्य है। द्वंद में अभी भी काम है, द्वैत में अभी भी है, कोई तो वो पहुंच गए, वो उसको मोक्ष कहते हैं, वो स्थिति को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। कि कोई छोड़ना नहीं पड़ता, वो नहीं जिसने कुछ हासिल कर लिया, सब पदवी चला गया, वो बन गया, बन गया, उसका भी आभास नहीं है।
इतना मैं कोशिश कर सकता हूँ बताने की, बड़ा कठिन है बताने की, यहां तक हो सकता है, तभी जब कुछ, लेकिन उससे पहले की एक जो भी सूक्ष्म स्थिति है, जो देखता है, जो उस स्थिति में समाधिष्ट है, तुरिया में है, वो अभी भी मुक्त नहीं है, ये समझ लेना। वो आत्म साक्षात्कार हो सकता है वो स्थितियां, यू कैन बी सेल्फ रियलाइज्ड एंड बी रियलाइजिंग आई एम द सेल्फ, लेकिन बोध होता है, वो शिव है। इसको जीवन मुक्ति की स्थिति बताते हैं, जो भगवान राम को योग वशिष्ठ ने, योग महामुनि ने बना दिया, उनके गुरु ने बना दिया, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त यानी स्टेट ऑफ फ्रीडम, वो है, शरीर में है, पति है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, जो भी है, वो रिलेशनशिप सब चीज में है, लेकिन किसी से जुड़ाव नहीं। वो पुरुष है, वो जानते हैं मैं पुरुष हूं, जेनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली वो जानते हैं मैं पुरुष हूं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ हासिल कर लिया, उनके कार्य कोई खराब नहीं होता उस चीज को लेके, बन गया उसका भी हाँ, वो जानते हैं कि फैमिली है, लेकिन किसी से कोई लगाव नहीं, कोशिश कर सकता हूं बताने की, बड़ा कठिन है, डिटैच्ड है ना के बराबर है। इसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो अभी भी अगर थोड़ा लोभ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, ये मेरी पत्नी है, पति है, थोड़ा फिक्र है उनके बारे में, वो मोह कहते हैं उसको, वो आत्म साक्षात्कार अभी पूर्ण नहीं है। यू कैन बी सेल्फ रियलाइज्ड एंड बी रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइजेशन में ये सब हो सकते हैं, वासनाएं हो सकती है, टेंडेंसीज होती है, इतना ही उनको बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं पक्का, और वो कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि एक झटका मिल गया उनको, जो कंटिन्यूअस उस आभास में पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसको जीवन मुक्ति की स्थिति बताते हैं। आगे जाके जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं कि मैं का भाव बिल्कुल ही नहीं रहता है, कि मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं योगी हूं, मैं साधक हूं, मैं ये हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, ये बिल्कुल कुछ भी आभास नहीं रहता, जेनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली वो जानते, ना ये आभास कि मैं लड़का हूं लड़की हूं, लेकिन उससे कोई लेना देना, शरीर का भी जिसको बोध नहीं होता उसको विदेह मुक्ति कहते हैं, विदेह मुक्त, विदेह मुक्ति सवधूत, फैमिली है लेकिन किसी से कोई लगा, जो विदेह मुक्त यानी कि उनको शरीर का तक बोध नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन आगे की मोगी, मतलब वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, लिबरेटेड, बस वो शरीर में घूम रहे। शरीर में क्यों घूम रहे? क्योंकि अभी तक थोड़े बहुत कर्म है उसके अंदर पड़े हुए, तो कर्म किसको पकड़ता है? शरीर को पकड़ा है, वो शरीर है ही नहीं, तो इसलिए आपने देखा होगा कोई अवधूत बीड़ी पी रहा है, कोई नाक में वो स्नफ ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, वो उनके वासनाएं कंटिन्यू हो रही है उसके अंदर, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बीड़ी फूक रहे हैं। अवधूत तत्व को समझना है तो बड़ी आसान है आपको शिव तत्व समझना, उसके लिए आप अध्ययन करो, अवधूत गीता भी कोर्सेस में है, shiftingintoawareness.com/course, दो दिन डाउन है सर्वर, दो दिन के बाद कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट, आपको समझ आएगा कि अवधूत भी कौन है। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसी राह चल रहे हैं, अवधूतों के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, ये सब अवधूत कृपा है, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, ये दत्त कृपा है, ये सब ये तत्व का भी बोध हो रहा है, ये तत्व के बारे में हम बोल भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, जान भी पा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं, अवधूत कृपा है। आई फील माई सेल्फ वेरी ग्रेटफुल, वेरी ब्लेस्ड कि मुझे 11 अवधूतों का सानिध्य मिला, जो जीते जी शरीर में थे, कर्म किसको पकड़ा, और सारे के सारे 11 अवधूत यहाँ साउथ में, अब कई सारे तो नहीं है शरीर में, तो ये जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो उनके वासनाएं कंटिन्यू हो रही है उसके अंदर, लेकिन उनको उससे कोई लेना, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये सब नहीं बता सकता यहाँ पे, मैंने अवधूत गीता में काफी सारे एग्जांपल्स दिए, सब लाइव एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए, वहां वर्सेस पढ़ रहे हैं और इसका जो एक्चुअल में जीवन में देखा है मैंने, वो चीजें मैंने बताई है उसके अंदर, तो ये सब लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ये हमको कन्विक्शन देने के लिए होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही हमारा गुरु है, लाइफ ही गुरु है, उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, गुरु ज्ञान दे सकता है, लेकिन बोध आपका परम गुरु जो है
वो करा सकता है, जो चिदाकाश गीता में भगवान नित्यानंद कहते हैं योर प्राइमरी गुरु इज योर विवेक, सेकेंडरी गुरु इज द वन हु इनिशिएट्स यू फ्रॉम आउटसाइड. इफ योर प्राइमरी गुरु इज नॉट केपेबल, इफ यू आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज नॉट एक्टिव, देन यू नीड अ सेकेंडरी गुरु, एंड द वर्क ऑफ द सेकेंडरी गुरु इज टू लीड यू बैक टू द प्राइमरी गुरु. वो कहते हैं द सेकेंडरी गुरु टेक्स यू टू द वेल एंड द प्राइमरी गुरु मेक्स यू ड्रिंक द वाटर. ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो भगवान रमणा कहते हैं कि द आउटर गुरु लीड्स यू, इंट्रोड्यूस यू टू योर इनर गुरु, एंड दैट इज व्हाई ही सेज द आउटर गुरु और द गुरु, द सेल्फ एंड गॉड आर सेम, कोई अलग नहीं है. लेकिन वो जो सेम की अनुभूति जब हो वो निर्वाण शटकम में होता है. जो परा की स्थिति में जब आप चले जाते हो तब आपको भेद ही नहीं लगता है, कॉमेडी लगता है सब. इससे भी ये टुकड़े टुकड़े कर क्या कर रहे हैं लोग, वो लोगों का नहीं, हम खुद भी कर चुके हैं वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन वो समझ नहीं है. तो जैसे गति, मेरे हिसाब से अगर गति होनी है, अगर आप गतिशील होना है तो इन परम तत्व की तरफ आपको जाके उसका बोध होना पड़ेगा, तभी आप पहुंच रहे हो, नहीं तो फिर आप उधर ही लटक रहे हो. क्यों, मैं छोड़ना नहीं चाहता कॉन्सेप्ट, ये मेरे अति प्रिय कॉन्सेप्ट. क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान है ही नहीं कि आगे क्या है. तो ज्ञान चक्षु खोलो आप, सब पता चल जाएगा, वॉट इट इज, हाउ इट इज. तो अगर निर्वाण षटकम समझना है, मैं उस कैजुअल तरीके से इन सब तत्वों को अप्रोच करता ही नहीं. ये आप लोगों ने रिट्रीट में भी देखे हैं, वेबिनार्स में भी देखे, वी अप्रोच इट इन अ वेरी सटल, वेरी रिस्पेक्टेड मैनर. रिस्पेक्टेड कैसे, हम पहले रिस्पेक्ट करें उस तत्व का. जो शिव तत्व बता रहे हैं वो उनकी भक्ति करने को नहीं बता रहे हैं, शिव तत्व, शिव सूत्र, उनकी स्तुति, उनकी नमन करने को. जब मोमेंट आप नमन करते हो उसका पूरा रस ही चला गया, शिव सूत्र का पूरा, क्योंकि वो कुछ भी भिन्न का बात ही नहीं कर रहे हैं, भेद तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन वो समझ नहीं, तो हमको अगर सीरियस जाना है तो भीतर से पहले प्योर इंटेंशन, आपकी शुद्ध भावना होनी चाहिए कि मुझे पूरा शुद्ध सद विद्या मिले, सद की वासना हो और सद की प्राप्ति हो. सद की प्राप्ति होना है तो सत्संग तो बनता ही है, सत्संग यानी सत्य के संग. जितना आप सत्य के बारे में सुनोगे, जितना चिंतन करोगे, बार बार सुनोगे, वही हम यहाँ करते हैं, बार बार दिन रात यही चलता है बात, तो क्या होगा इसका. जिस चीज के बारे में भी आप चिंतन करते हो वो जिंदगी में आपको मिलता है. परतत्व के बारे में अगर आप चिंतन करते हो तो वो भी आपको मिलेगा, साफ है. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सुनो, कोई अध्यात्म में मैनिफेस्टेशन, धन दौलत, रिलेशनशिप, अबंडेंस, कंटेंटमेंट, इन सब चीजों को लेके विषय वासनाओं को भरने के लिए यूज करते हैं, और जो थोड़े होशियार है, समझ चुके हैं, उन्हीं सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लेके उस परा की भक्ति करते हैं और उस परम तत्व को हासिल कर लेते हैं. सिंपल सी बात है. इसलिए भगवान नित्यानंद सीधे सीधे बोलते हैं, ओ भिखारी अब उठ जा संसार से. तू नीचे देखेगा, विषयों की तरफ देखेगा तो तुझे संसार मिलेगा. संसार से विमुख होके दिखेगा तो तुझे शिव मिलेगा. और वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. भगवान नित्यानंद को ही भी पेंट मार के किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को मस्का विगरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको खोने का डर नहीं है किसी को. सत्य बताने वो अवधूत है, अवधूत तत्व से जो रेडिएट कर रहे हैं तो वो सत्य ही बताएंगे, वो सीधे सीधे बताएंगे. संसार के बारे में जो सोचोगे आपको संसार मिलेगा. चिदाकाश पे ध्यान रखना, चिदाकाश आपका भीतर का जगह है, आपके कपाल के नीचे का जो स्थान है उसको चिदाकाश कहते हैं. चिताकाश यानी आकाश, वो पंच महाभूत जो है उसमें भी एक आकाश है, लेकिन वो स्थूल आकाश है, उसमें स्थूलता है पंच महाभूत में भी. उसके परे जाना पड़ेगा,
पंचमहाभूत के जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व कहाँ है? पंचमहाभूत, ये मेरे सामने आपके और मेरे बीच क्या है, कौन है? आपके और मेरे बीच की दूरियां क्या है? ये आकाश ही तो है। ये हमने कई बार वेबिनार्स में भी प्रैक्टिस किया है। आप है आपके गुरु है, आप है आपके इष्ट है, क्या सेपरेट करता है आपको? बस इतना आपको रहस्य जानना है कि आकाश ही सेपरेट करता है। अभी आपका और मेरे बीच में क्या है बताओ? सिर्फ आकाश है। और अगर मैं आकाश तत्वों को टैप करना जान जाऊं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि यहां बैठे मैं दूसरे शरीर को भी कनेक्ट कर सकता हूं, दूसरे के चैतन्य को भी कनेक्ट कर सकता हूं? यही सिद्धांत है गुरु शिष्य की। जो गुरु और शिष्य है उनका रिलेशनशिप यहां होता है, ये शरीर वाला नहीं है। शरीर से शुरू होता है, मोह शरीर से होता है, बंधन शुरू से वहां से होता है, क्योंकि पहले हमको पकड़ के लिए, एक ग्रिप के लिए कुछ तो चाहिए, मोह चाहिए, मोह बंधन, मोह बंधता है। तो पहले यही मोह के एक माध्यम से आप बंध जाते हो गुरु से, पंच महाभूत के जो आकाश तत्व। लेकिन वो बंधन मेरे सामने आपके और मेरे बीच क्या है, कौन एक तब होता है, बंद द्वंद तब मिट के एक हो जाता है जब आप उस गुरु तत्व को आप समझोगे। और गुरु तत्व अवधूत गीता, चिदाकाश गीता, निर्वाण षटकम कोई भी अलग नहीं है, सब सेम है। बस इतना आपको रहस्य जानना है कि, लेकिन भागेंगे हम ना गुरु ना शिष्यम। अरे नहीं नहीं, हमको चाहिए गुरु और शिष्य चाहिए, तो ये आप निर्वाण षटकम नहीं करेंगे, इसलिए भागते लोग ना माता ना पिता। नहीं नहीं, हमको माता पिता सखा बंधु बीवी बच्चे सब चाहिए, तो निर्वाण षटक में हमारे लिए नहीं है। सही बात है, नहीं है तो नहीं है, तो कंप्लेंट भी नहीं होना चाहिए कि मुझे फिर वो शिव प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। शिव प्राप्ति है तो भगवान नित्यानंद का सरल भाषा, डिसाइड कर लो क्या चाहिए आपको। संसार चाहिए तो संसार, परम तत्व चाहिए तो परम तत्व, दोनों नहीं मिल सकते हैं। स्ट्रेट विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, कोई पॉलिश नहीं, कोई मस्का नहीं, तो पहले सीधे सीधे बात करते हैं। इसलिए हमारे सत्संग में जिसको गट्स है वही बैठते हैं। व्हाट्सएप जो हमारे जूम सेशन से, क्योंकि धज्जियां हिल जाती है अंदर से, पूरा जो फाउंडेशन है ना जिसके ऊपर हमारी मेरी जिंदगी आधारित है, सिक्योरिटी सिस्टम सब बना के रखे हैं। गुरु को तक हमने सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, या फिर स्वाइप कार्ड बना दिया है। लोभ और भय से ही प्रेरित है हमारी सारी भक्ति, और इसको बड़े बड़े गुण गाते हैं, और थोड़ा बोलो तो लोग हिल जाते हैं इस चीज को, मेरे पीछे लग जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो, कौन सा अध्यात्म कर रहे हो? अभी इसी क्षण बैठ के आप ध्यान करो और देखो क्यों मैं प्रेम करता हूँ इष्ट से या गुरु से। क्या ये नहीं है, भय नहीं है मन में कि कुछ नहीं है, वो नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी में? तो बनाया के नहीं सिक्योरिटी गार्ड उनको? क्या ये लालच नहीं है कि ये रहा तो मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा कंटिन्यूस, तो एटीएम मशीन नहीं बना रखा उनको? हालांकि गुरु तत्व है ही नहीं है दोनों में से, तो जिसकी भी चेतना इन दोनों चीज में पड़े वो जानते ही नहीं है। वो नॉर्मली वही बंधन में है जैसे आपके होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, वही सांसारिक वासना लेके उस परम तत्व गुरु तत्व जो चैतन्य है उसको भी जोड़ देते हैं अपनी अपनी वासनाओं, पूरा जो फाउंडेशन है ना जिसके ऊपर, और इसलिए अधूरा ही रह जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम सब बना के रखे, कभी भी देखते रोते रहते, एक दर्शन के लिए तड़पते रहते, एक मुख से एक शब्द बोलने के लिए स्वाइप कार्ड बना दिया। भगवान बुद्ध जब पेड़ के नीचे वो जा रहे थे लास्ट क्षण में, उनके शिष्य है और बोले हमें पता है कि आप जा रहे हो, कृपया करके सबके आंखों में आंसू, कृपया करके हमें आदेश दे, हमें कोई तो सुझाव दे, कोई मैसेज दे दे आपका अंतिम मैसेज। एंड दैट शॉक्ड बुद्धा, क्यों मैं प्रेम करता हूं। उन्होंने सारे शिष्य की तरफ देख के बोले, कम से कम 30-40 थे वो, जो 24 घंटे उनके साथ घूमते थे शरीर को पकड़े, तो उन्होंने बोला आप अभी आके मुझे मैसेज पूछ रहे हो, एक संदेश दे दो, तो 25 साल मैंने क्या किया?
जो अभी आके पूछ रहे हो, एक संदेश दे दो। इन दोनों चीज में पड़े वो जानते ही नहीं, साफ हो गया कि किसी को संदेश मिला ही नहीं। आज भी देखो हजारों लाखों में वही तादाद में पड़े हैं जो वही सांसारिक वासना लेके उस परम तत्व, संदेश ही नहीं मिला। और दूसरा, बुद्ध ने पूछा 25 साल से जो मैं कह रहा हूं वो अगर तुमको समझ नहीं आया तो 25 मिनट में क्या समझोगे? एक दर्शन के लिए तड़पते रहते, एक मुख से एक शब्द बोले। तभी उन्होंने बोला छोड़ो अब, अपो दीपो भव, खुद का गुरु खुद बनो, खुद के प्रकाश खुद ही बनो, बी योर ओन लाइट। बी योर ओन लाइट यानी कि ये जागृत करो, बुद्धि को जागृत करो। ये बुद्धि अगर भ्रष्ट है, मन से कोई ये तत्व नहीं पहचान सकता, मिल भी नहीं सकता, ना शिव मिलेंगे ना गुरु मिलेंगे। वहां से बहुत सारे फोटो मिलेंगे आपको, जो आपके पूरे कमरे में सजावट करके आप रख सकते हो, लॉकेट में रख सकते हो, कंपस में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, और बस देखते रह जाओ। और तड़प भी रहेगी, पूर्णता नहीं होगी। जो पूर्ण हो गया उसको क्या चित्र की फिक्र, जिसकी चैतन्य उसके साथ एक हो गया, जो बार बार हर समय स्मरण करता है, उसी में रमता है, जो भेद नहीं दिखता, अनकंडीशनल लव में एक हो गया है, उसको क्या चित्र की परवाह। पहले ये गुरु के साथ ट्रेन करना पड़ता है, बाद में शिव के साथ। गुरु के साथ ही एक नहीं हो पाए तो खाक शिव के साथ एक हो जाओगे। 25 साल से जो मैं कह रहा हूं वो अगर तुमको समझने आए तो 25 हम नहीं हो पाए थे, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट्स है, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स है, यंत्र तंत्र मंत्र के। हालांकि वो दिया गया था बेटा इसको पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद ये कक्षा के बुक्स दे दो, यहाँ ये जागृत करो, आपके ऑब्सेसिव लेके जा रहे हो। इसलिए भगवान नित्यानंद ने चिदाकाश गीता में कहा, फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक्स After you go to the second standard is not needed. The former prior disciplines, spiritual disciplines, when you ascend to the next discipline is not needed. कठिन है। मैंने यहाँ तक देखे लोग डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन नर्सरी की किताब भी नहीं छोड़ते, जो बार बार वो कहीं ना कहीं उनके पॉकेट में रहता है। इतने अटैचमेंट है, इतनी इनसिक्योरिटी है, छलांग नहीं लगा सकते। खाक हम चिदाकाश में छलांग लगाएंगे। चिदाकाश यानी निर्लंब होना, देवी कालोत्र में बताया, निर्लंब जब तक नहीं होगे आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे, शिव बताते हैं पार्वती को। तो कैसे बताए, कैसे हो माँ पार्वती पूछती, आप बताओ उपाय बताओ। तो पहले शिव बोलते, पहले निश्चल हो जाओ, ये चंचलता से नहीं चलेगी। ये सब मैसेज हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि शिव और पार्वती कोई पेड़ के नीचे बैठे थे, कोई पहाड़ के नीचे बैठे थे। ये हटाना यहाँ से, ये सिंबॉलिक मैसेजेस है ऑफ चैतन्य। दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है चैतन्य को। पराशक्ति, परब्रह्मन, परशिव, परावाणी, पराविद्या, ये सब समझना इजी नहीं है, क्योंकि ये सीख के सिखा के सुन के सुना के नहीं बोध किया। इसको बोध होना चाहिए, बोध के लिए पहले हटना तो चाहिए सब चीजें। तो वही मैं हमारी प्रयास है, पहले हटो तो सही, हटाओ तो सही। दुनिया भर के आपने क्लटर लेके बैठे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स है। योग वशिष्ठ में उसलिए वशिष्ठ महा मुनि ने पूरे साफ कर दिया भगवान राम को, रिमूव ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। एक वर्ड नहीं है उसमें भगवान का, एक वर्ड उसमें शिव का नहीं है, ना शक्ति का है, कुछ भी नहीं है। योग वशिष्ठ करो, वो भी कोर्सेस में शिव बताते हैं, जिसको इंटरेस्ट है करो, कोई ये नहीं है। मां पार्वती पूछती, आप बताओ उपाय बताओ। पहले शिव बोलते, पहले निश्चल, ये चंचलता से नहीं चलेगा। तो मैं ये रिट्रीट्स और ये सब करता हूँ, तो वहां भी वासनाएं लेके आते हैं, वही कॉन्सेप्ट लेके आता है। और कई बार तो इतने डिफिकल्ट होता है कॉन्सेप्ट हटाने के लिए, इसलिए मैंने बंद कर दिया वो ओपन रिट्रीट्स। अभी ओनली डीप मैच्योर सोल्स, उतना ही, सबके लिए नहीं, क्योंकि वहां बैठते हैं चार दिन है, पूरे रम जाते हैं उसके अंदर, पूरा एक्सपीरियंस करते हैं। अरुणाचला शिव के गोद में बैठ के अनुभव करो, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्टलेस लोग है। कॉन्सेप्ट्स लेने के आते हैं, मैं क्या करूं, मेरे गले में एक यंत्र है, इसका क्या उपाय है, इसका क्या है, तो
मैं बोलता हूँ और चार पेनो वजनदार लोगोगे सारे कॉन्सेप्ट्स योग वशिष्ठ में उसले स्पिरिचुअलिटी में सब उतारना पड़ता है एक-एक इसलिए अवधूत नग्न घूमते हैं इसका अर्थ क्या है सारे उतार दिया उन्होंने और यहाँ हम चढ़ाए जा रहे हैं एक वर्ड उसमें शिव का नहीं है रुद्राक्ष पे रुद्राक्ष चढ़े हुए हैं तुलसी माला स्फटिक माला सब माला है और उसके साथ साथ यंत्र भी है अलग अलग मैं बोला बहुत अच्छा है बप्पी लहरी लगते हो स्पिरिचुअलिटी के कोई अंत नहीं मैं बोला ना वासना वही है पब में ठुमकी लगाते थे अब अध्यात्म में आ गए अब हम जाके कोई स्पिरिचुअल सत्संग में जाके ठुमकी लगाते हैं क्योंकि नाचने का मन करता है ये वासनाएं हैं हमारी अब उसको हमने चोला पहना दिया स्पिरिचुअल चोला उड़ दिया क्योंकि अब लाइसेंस मिल गया ना अब करो खाने का बहुत इंटरेस्ट है ये वो सब खाते हैं फास्ट फूड वही और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है संडे सत्संग नीचे होता है मेन्यू समोसे कचोरी ब्ला 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 तो पहले लोग वो मेन्यू देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जाना है कि नहीं वो हटा दो देखेंगे आपके अटेंडेंस कितना रहता है स्पिरिचुअलिटी में सब वासनाएं वही वासनाएं और इसको जगाने वाला कोई नहीं उसको बताने वाला कोई नहीं आप उसमें और मसाले डाल दो और यहां चढ़ाए जा रहे हैं तो सारे जैसे आप बोलो अंधे अंधे को रास्ता दिखा रहा है यही चल रहा है सब तरफ यही चल रहा है क्यों क्योंकि किसी को वो लालसा नहीं है किसी को वो इंटरेस्ट नहीं है कि वो अंत में जाके देखे क्यों क्योंकि वासनाएं बहुत है मोह माया है इन सब चीजों से कैसे छुटकारा तो टाइम पास अभी थोड़ा सस्टेन करने के लिए थोड़ी कर ले भक्ति पूजा भजन थोड़ा थोड़ा कर ले तो सिक्योरिटी भी लगेगी भगवान की थोड़ी कृपा गुरु की थोड़ी कृपा भी रहेगी मेरा मेंटेनेंस जोन भी रहेगा इसलिए भगवान नित्यानंद ने वहां पे बताया हरि को पूजना नहीं शिव को पूजो चिदाकाश गीता में क्योंकि हरि मेंटेनेंस है माया है इसलिए बोल रहा हूँ जाके पढ़ो चिदाकाश गीता को पढ़ो भगवान नित्यानंद के फोटोज फ्रेम करके पूजा करते मत बैठो शंख बजा के कुछ नहीं होने वाला उनका तत्व को जानो नित्यानंद है क्या नित्यानंद स्थिति है वो नहीं है जो आप चित्र में देखते हो वो आपका शरीर के साथ मोह है नित्यानंद की कृपा होना है तो नित्यानंद के तत्व जानो चिदाकाश गीता को समझो पकड़ो हर एक चीज को ये नहीं कि हम उसमें से 10 ले लेते हैं 20 मजेदार है वो ले लेते हैं वही उसी के बारे में बताएंगे बाकी के 260 जो है थोड़ा सूट नहीं करता जैसे नित्यानंद भगवान है कृपा है पावरफुल है लगा सकते हो क्या आप कार में उनके फोटो पब्लिक में बोल सकते हो ये मेरे गुरु है परम गुरु नहीं दिखते थोड़े उतने नहीं थोड़े दाढ़ी वाड़ी रख के थोड़ा टर्बन वर्बन डाल के थोड़ा अच्छा पोशाक वगैरह होता तो थोड़ा बात होती ये क्या है नंगे पुंगे सब जैसी हमारी वासना वैसी हमारी अध्यात्म मिस्टिकल मिस्टिक्स के पीछे जो लगे हैं वही वो तत्व तक पहुंच सकते हैं तो निर्वाण षटकम यानी That state, जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब मैल जब हटता है ये सब मैल में आता है ठीक है ना सब मैल में आता है आप कितना भी डिवाइन चीजें बोल दो इसलिए देवी कालोत्तर में भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं छोड़ो समझो पकड़ो सारे प्रकार के ध्यान छोड़ो आपके चक्र वक्र सब छोड़ो देवी देवताओं की पूजा छोड़ो पितृ तर्पण ये तर्पण वो तर्पण छोड़ो नदियां में डुबकी लगाना छोड़ो तीर्थ यात्राएं बंद करो जैसे नित्यानंद भगवान है सारे जो चक्र के कुंडलिनी के नाड़ियां हैं छोड़ो और वो चक्र के बीच में जो बैठे देवी देवता हैं छोड़ो स्टार्टिंग फ्रॉम विनायक कहते हैं गणेश अब ये सुन के आदमी हिल जाता है हिलेगा वही जो छोड़ना नहीं चाहता जो छोड़ेगा नहीं तो वो कैसे मिलेगा छलांग लगाना है कहाँ स्पेस बिकॉज ही स्पेस चिदाकाश में क्या है पकड़ने ऐसा कुछ है पकड़ने के लिए कुछ नहीं है जब पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता और जब आप फ्री प्लंज करते हो
तभी आप पहुंच सकते हो। इसलिए उसमें उन्होंने पहले बताया ये नहीं छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब छोड़ो, सब मेल में आता है, कितना भी डिवाइन चीजें बोल दो। इसलिए देवी काल उत्तर में भगवान शिव और पार्वती को कहते हैं छोड़ो, सारे प्रकार के ध्यान आपके चक्र वक्र सब छोड़ो, देवी देवताओं की पूजा छोड़ो, पितृ तर्पण ये तर्पण वो। गुड एक्शंस एंड गुड कंडक्ट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड ओनली टू गाइड द सीकर टू द पार्ट्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। गुड एक्शंस गुड कंडक्ट, यानी कि जो अच्छे कर्म है, अच्छे काम करना है, नाड़ियां हैं छोड़ो, और वो जो आपके अच्छे बर्ताव है ऐसे करो, ऐसे मत करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ऐसे ऐसे बैठो, इतना खाओ, इतना मत खाओ, ये पहनो, वो मत पहनो, इतना मंत्र जप करो, उतना तप करो, ये सब जो भी दिया गया गुड कंडक्ट गुड एक्शंस, दे हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड ओनली टू गाइड द सीकर टू एक्वायरिंग नॉलेज। ये सिर्फ साधक को वहां तक पहुंचाने के लिए, ज्ञान मार्ग तक, एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब राजयोग का खेल है। जहां वो नॉलेज से इंट्रोड्यूस हो गया, ज्ञान हो गया, यही ज्ञान है अभी जो मैं बता रहा हूं, यही ज्ञान तत्व है। एक बार उसको बोध हो गया तब उसको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, तब तक आवश्यकता है। फिर आगे कहते हैं therefore giving up सालम योग यानी कोई भी प्रॉप, कोई भी यंत्र, मंत्र, तंत्र, कोई भी चीज को आप पकड़े हो, फोटो, पादुका या एक दिया, इवन स्मरण मन में दो द्वंद है, सब चीज पकड़े हुए मन के अंदर, एक कोई है गुरु चित्र है, भगवान से कुछ भी है, उसको सालम योग पकड़ बोलते हैं। जो भी आप पकड़े हो, एक चीज को आप पकड़ के आप कहीं पहुंचने की कोशिश, वो पकड़ जो है उसको सालम योग कहते हैं। Therefore giving up सालम योग in which object such as mantra or form of God is meditated upon in the mind, stay steadfast in your real state, सहज स्वरूपा, where the outside world is not perceived। यानी कि सालम योग को त्याग के निर्लंब योग, निर्लंब यानी कोई पकड़ नहीं, सस्पेंडेड रहो, कुछ नहीं, और ये आप देखोगे रिट्रीट्स में और वेबिनार्स में जो एडवांस्ड हम कोर्सेस करते हैं उसमें है लोग निर्लंब होके बिना कोई यंत्र तंत्र मंत्र बैठे हैं और सिर्फ इन अ फ्यू मिनट्स टू इवन सेकेंड्स दे कैन एंटर इनटू समाधि। ये कोई चैलेंज की बात नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जब कचड़ा साफ हो जाएगा कुछ है ही नहीं, आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सारे जो अरुणाचल तत्व है ये सिर्फ बोल रहे हैं सारे मल को हटाओ, अज्ञानता को हटाओ, अगर आप हटा सकते हो तो, नहीं तो करो, तप करो, यंत्र मंत्र तंत्र करो, तब तक करो जब तक घिस घिस के वो अज्ञानता नहीं मिटती है, जब तक आप सूक्ष्म नहीं बन जाते हो आपका उन सब चीजों में लगाव रहेगा। जिस दिन सूक्ष्म बन जाओगे अपने आप छूटेगा। इफ एनी पर्सन डज नॉट मेडिटेट ऑन दिस ग्रेट ऑल परवेडिंग वाइड, यानी चिदाकाश पे अगर किसी ने ध्यान नहीं किया, He will be a संसारी, वो भोगी बनेगा। इसका अर्थ क्या है? जो चिदाकाश गीता में भी बताया, देखो उनका कनेक्शन है। चिदाकाश गीता is connected to काल ज्ञान, काल ज्ञान is connected to चिदाकाश, उसमें काल ज्ञान भी बताया है। यही काल ज्ञान है बताते हैं भगवान नित्यानंद। और यहाँ देखो काल ज्ञान में खोला हूं देवी काल उत्तर, इसमें बता रहे द वन हु डज नॉट मेडिटेट ऑन चिदाकाशा, जो चिदाकाश पे ध्यान नहीं करता वो संसारी है, भोगी है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? यानी चिदाकाश क्या है? स्पेस, नथिंगनेस। जो नथिंगनेस पे ध्यान नहीं करता, जो समथिंग या समथिंगनेस पे करता है वो संसारी है। आप एक यंत्र पर भी करोगे आप संसारी कहलाओगे इसके हिसाब से, क्योंकि एक सिंपल सीक्रेट बताता हूं जो इन्होंने भी बताया इसके अंदर। ये जितने भी आप यंत्र तंत्र मंत्र करते हो किसके लिए करते हो बताओ? गुरु की पूजा करते हो, इष्ट की देव देवताओं के करते हो, यंत्र के करते हो, मंत्र के करते हो, कोई वस्तु की करते हो, फोटो की करते हो, पादुका की करते हो, क्यों करते हो इज द प्रश्न। घूम फिर के वो संसार का भोग के लिए ही होता है।
ध्यान से कर लेना, ऊपर से हम बोलेंगे परमात्मा के लिए, लेकिन ध्यान से देख लेना परमात्मा से पहले एक लंबा लिस्ट है आपका, इसलिए वो कह रहे हैं संसारी बनेंगे। यहाँ अगर ध्यान नहीं रहा, इसको छोड़ के, चिदाकाश को छोड़ के, शून्यता को छोड़ के, कोई भी कितने भी दिव्य चीज को आप पकड़ोगे वो संसार कहलाता है। जो चिदाकाश पे ध्यान नहीं करता वो संसारी है, भोगी है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? यानी चिदाकाश क्या है? स्पेस, नथिंगनेस। तो भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं एनीथिंग अदर देन द सेल्फ इज संसारा। वो खुद को स्वेल्फ बताते, सेल्फ मतलब आत्मन, परमात्मन यानी चैतन्य, कोई नाम रूप भी नहीं उसका। जैसे आपने शिव बोल के भी एक बोल दिया, एक नाम आ गया, एक रूप आ गया, आपने वो कॉन्सेप्ट को पकड़ा, आपको वो चैतन्य निर्गुण निराकार नहीं पकड़ाएगा। सी हाउ सूक्ष्म इट इज, ये भगवान शिव खुद कहते हैं एनीथिंग अदर देन द सेल्फ इज संसारा नॉट मी। देर इज नो रूम फॉर परफॉर्मिंग पूजा और वर्शिप ऑफ डायटीज, नमस्कारम, ध्यान, जपा, तो ना जप है, ना नमस्कार है, ना पूजा है, ना दंडवत प्रणाम है, ना साष्टांग दंडवत है। ये इसमें खैर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अगर मैं बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ। ये आपको अगर जानना है, कोर्सेस अवेलेबल है, गो एंड डू द कोर्सेस। मैं जानबूझ के लोगों को कोर्सेस करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आधा घंटे के शॉर्टकट वाले सत्संग नहीं ले जाते हमको कहीं। अगर आपको इच्छुकता है, सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हो, तो गेट इन टू इट 24/7। पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी से किसी को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आता, खून से लिख के दे सकता हूं। अगर किसी ने आपको बताया है तो मिथ्या है। और दूसरी बात है, कोई आपको आत्म साक्षात्कार नहीं दिला सकता, इवन द गुरु कैन नॉट गिव। कोई बाहर से आके नहीं दे सकता, आपको ही उसके जो स्थितियां हैं, उसके एनवायरनमेंट है, आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब हो रहा है, निरंतर हो रहा है, अपने आप भी हो रहा है, ये सब परमात्मा की कृपा से ही हमारा गति हो रहा है। इसको सुनने की भी इच्छुकता जो है, ये भी परम कृपा है। अवधूत गीता वर्ष 1 में यही कहते हैं कि अद्वैत वासनम भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। जिसके भी मन में परम तत्व के प्रति एक जानने की इच्छुकता है, निर्गुण निराकार की, अद्वैत वासनम है, वासना बोलते हैं उसको, द्वैत वासना, एक है विषय वासना, एक है अद्वैत वासना, एक है द्वैत वासना, द्वंद्वों में, मूर्तियों में, फोटो में, द्वंद्व में, द्वंद्व वासना, एक है अद्वैत वासना। अद्वैत वासना निराकार, सब छोड़ के निर्लंबी। तो अवधूत गीता वर्ष 1 में वही कहते हैं भगवान दत्तात्रेय जी कि अद्वैत वासना भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। तो आपको अगर इन तत्वों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है और सिर्फ सद्वासना में आप गहरे उतरना चाहते हो, यू आर मोस्ट इनवाइटेड, यू कैन ज्वाइन। इसमें मात्रा बहुत कम है, क्योंकि भगवान नित्यानंद वही बोलते हैं कि 10 लाख पीपल में एक को अद्वैत वासना होती है, 10 लाख लोगों में, 1 मिलियन में एक बंदे को तीव्र अद्वैत वासना होती है, तो उसके हिसाब से कम ही होता है मात्रा। तो यहाँ भीड़ नहीं होता, और भीड़ जहां होता है वहां वो नहीं हो सकता। परख लेना, इन्वेस्टिगेट कर लेना इन सब चीजों को। तो अल्टीमेटली इट्स अपॉन कि मुझे क्या प्राप्ति होनी है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, आके संसार में आके वही टाइम पास करना है और अध्यात्म को पकड़ के करना है, तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल उनके लिए नहीं है। वो तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, और ऐसे ऐसे चीजें बोल देता हूँ, ये मेरा फिल्टर्स है कि जानबूझ के ना आए, वही आए जो उसमें काम बहुत ईजी हो जाता है। वहां फिर भाषण देना नहीं पड़ता, फिर बैठ के चलो लेट्स एक्सपीरियंस इट स्ट्रेट, नहीं तो फिर पता चला आ गए फिर वो क्वेश्चनिंग वाले हैं, डाउटफुल वाले हैं, मुझे पहाड़ देखना है, वो आते हैं तिरुवणमलई में। अब हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं कि शिव कौन है, वो तो मुझे पहाड़ पे थोड़ा देखना है, एंजॉय करना है, ऊपर से व्यू क्या क्या दिखता है भैया,
ऊपर से मंदिर दिखता है और मंदिर से पहाड़ दिखता है, तो उन सब चीजों में अभी शिवलिंग का दर्शन कैसे हो, उसका अभिषेक हम कैसे करें? मैं बोलता हूँ अभी मैंने शुरू कर दिया लेवल वन लेवल टू का, तो लेवल वन वो आप आ सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं क्योंकि आ नहीं पाते थे, फिल्टर में वो अप्रूवल नहीं होता था, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि सद्वासना जिसके अंदर है, अद्वैत वासना के अंदर तीव्र जिसके अंदर है, वो बैठे हैं उस अग्नि को लेके बैठे हैं प्रज्वलित करते हुए, और फिर कोई आता है एकदम वो अपने यंत्र तंत्र मंत्र को ही लेके आते हैं, तो जैसे ही एक दो सुनते वो कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी भड़क जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी हिल जाते हैं, तो फिर उनको संभालते संभालते ये सब हो जाते हैं, तो हमने वो बंद कर दिया। तो उसमें क्या होता है, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जितना आप फिल्टर आउट करोगे आपके लाइफ से अनवांटेड चीजें, इजीली आप उस तत्व तक जा सकते हो, हजारों चीजों को लेके आप नहीं जा सकते, खासकर कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पे हम धज्जा उड़ाते हैं कॉन्सेप्ट की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, इट्स कॉन्सेप्टलेस, कहीं कहीं महीने लग जाते हैं और लोग लिखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, विच स्टेट ऑफ द रीच्ड। तो टू रीच दैट स्टेट ऑफ नथिंगनेस आई मस्ट बिकम नथिंग समथिंग लेके नहीं चल सकते। तो जिसका भी मन रुचि खत्म हो गया हो यंत्र तंत्र मंत्र में और वो लगते हैं कि नहीं अब मुझे रहा नहीं जा रहा, कुछ हो नहीं रहा और जो मैं जान वो नहीं हो रहा, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस तत्व क्या है, कोर्सेस करो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो उसमें गहरा है, काफी घंटे हैं और उसके लिए वो उसमें कोर्स में भी हो ही जाएगा, जो कर सकते बैठ के उतना कर सकते। पहले पूछते हैं भैया कितना देर का है, 50 घंटा है चिदाकाश गीता, आपको नहीं लगता ज्यादा है? हाँ आपके लिए तो बहुत ज्यादा है, मत ही करो। नित्यानंद भगवान के पास जाते थे कोई, सभी जाते थे मोक्ष दे दो मोक्ष दे दो, मैंने सब गुरुओं के पास देखा हमें मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए। नित्यानंद बाबा के पास भी जाके एक बूढ़ा हमेशा छाता लेके जाता था, भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, आपको देना ही पड़ेगा जिद, और वो अनसुना करते बैठते थे नित्यानंद भगवान, देखते नहीं थे। तो एक दिन परेशान होके रोज रोज आके गिड़गिड़ाना, वही मुक्ति दो मुक्ति दो, उन्होंने छाता लिया उनके पैरों को छुआ, छूते वो गिर गए और तड़पने लग गए वेदना में, तकलीफ हुई क्योंकि उठी कुंडलिनी। मुक्ति की ओर जब उड़ती है यहाँ का सब नॉनसेंस को जलाता है, और हमारे नॉनसेंस भरा हुआ है इधर, और वो जब बिलखिला गिर के एकदम तड़पने लग गए, तो नित्यानंद भगवान ने बोला इसको मोक्ष चाहिए। तो हमारे भी ऐसी ही है गति, मोक्ष चाहिए लेकिन छोड़ना नहीं चाहते कचड़े को, इसलिए भगवान नित्यानंद कहते हैं मूलाधार आपका नीचे नहीं है, टेलबोन में, जो आप समझते हो मूलाधार आपका यहाँ है विशुद्धि में, क्योंकि नीचे कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग, ये सब बाहर 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 के योग, उसके बाद जब यहाँ पहुंचता है तो राजयोग शुरू होता है, अंतर्मुखी बाह्यमुखी का योग है गले के नीचे, उसलिए बोलते हैं गले के नीचे ध्यान मत करो, गले के नीचे का कोई भी योग मत करो, हट योग मत करो, भगवान नित्यानंद बोलते हैं राजयोग करो, राजयोग इज इंटरनल, मन से भावना से, कोई भी शारीरिक की वो एडवाइज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं, आपके जो भी फुस प्राणायाम जो शरीर को वो है ही नहीं, हालांकि उसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए लेकिन वो है ही नहीं, श्वासों को लेके है ही नहीं, वो सब प्राणों को लेके, और प्राण को कैसे सदना है उसके अंदर, श्वास के भीतर से वो फक फुक फक फुक फक फुक करके नहीं होता, शरीर को तपाने से, शरीर को हिलाने से, छाती को फुगाने से, कुंभक लगाने से, वो सब नहीं होता, वो सब योगी का एक टेक्निक्स है लेकिन वो नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो बोलते हैं हठयोग नहीं, हठयोग इस स्वार्थ, हठयोग से सिद्धियां आती है, हठयोग से आप घमंडी हो जाते हो, यू बिकम सेल्फिश, अपने बारे में स्वार्थ बन जाते हो, राजयोग प्रैक्टिस करो। सिद्धाकाश गीता में राजयोग यहां से शुरू होता है, जो कहते हैं जिसका चित्त यहाँ आ गया, इसके बाद एक अलग यात्रा है, वो यात्रा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये यंत्र तंत्र मंत्र नीचे का जोन है, जब खत्म हो जाता है कंप्लीट निर्लंब होके जो छलांग लगाता है वो राजयोग, यहां से लेके यहां तक राजयोग रहता है, सब इंटरनल इंटरनल,
अद्वैत, उसके बाद ज्ञान मार्ग में आता है, राजयोग के बाद लास्ट ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में ये सब खुलता है, सारे रहस्य खुलते हैं उनके लिए जिसकी चित्त यहाँ पहुंची है। जिसका चित्त यहाँ नहीं पहुंचा उनको संभल नहीं पाते हैं, जो मूलाधार से यहाँ प्रवेश करते हैं, जो अनाथ में या स्वादिष्टान में या फिर मणिपूरक उस चित्त की अवस्था से यहाँ देवी कालोत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शरीर को तपाने से, शरीर को हिलाने से काम है, छाती को फुगाने से। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ पथ क्या है, पग लगाने से, वो सब नहीं होता। पथ आपको स्पष्ट हो गया, आपको सब क्लियर समझ आएगा। अटयोग नहीं, अटयोग स्वार्थ, यहाँ आने के बाद वो भी छूट गया, इसलिए इसको गुरु चक्र कहते हैं। गुरु का साथ मूलाधार से सिर्फ यहाँ तक है, इसके आगे आपकी अकेली यात्रा है। अकेला भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ गुरु और शिष्य एक हो गए, भिन्न भेद ही नहीं है दोनों में। तो यहाँ अकेले भी चल पड़ो, गुरु के साथ चल पड़ो, एक ही है। लोग समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, और मुझे समझाना भी नहीं, किसको क्या प्रूफ है, जो अनुभूति हो रही हो रही है। मेरे गुरु भी खुश, मैं भी खुश, पर्सनल बात है। तो ये वही समझ सकते हैं जो वहां से इस चीज को देख सकते हैं, मूलाधार से नहीं समझ पाओगे बात को, रहने दे। तो खैर, यहाँ जब आती है ये सब अद्वैत तत्व, तो यहाँ पे पार्वती आके महादेव से पूछते हैं कि मुझे अब लौटना है आप तक, मैं क्या करूं। तो यहाँ से शिव बोलते हैं, दिस सहस्त्रार शिव, शक्ति यहाँ से कुंडलिनी से उठ के यहाँ तक आ चुकी है। शक्ति यानी बाहर से कोई नहीं, आप ही का चेतना यहाँ पहुंच गई है। तो आप ही की चेतना अब अंदर से पूछ रही है, मुझे आपसे मिलना है। दिस वी हैव डन द प्रैक्टिस इन लास्ट रिट्रीट, कि आप ही शक्ति हो, आपके जो प्राण ऊर्जा है मैंने सिखाया था विज्ञान भैरव तंत्र से, आपको पता चलेगा शक्ति ही मैं हूं। खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करें। तो यहाँ जब शक्ति पूछती है मुझे आना है, तो वो कहते हैं यहाँ से यहाँ छलांग लगानी है तो पहले निश्चल बनो और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देवी काल तो निश्चल बन के बैठती है यहाँ पे, उसके बाद ज्ञान मिलता है। बोलते हैं कि सब त्यागो, सब छोड़ो, ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन सब छोड़ो और अपने आप को निर्लंबी बना के छलांग लगाओ। पर्सनल बात, तो ये छलांग में डिवाइन विल होता है, फिर मेरा विल नहीं चलता, तेरी रजा में मेरी रजा, जो शिव आ गया, जिस विधि राखे उस विधि रहिए। तीन वाक्य मैंने मेरे गुरु से लिया और वही मेरे खून में बढ़ गया, रग रग में, हर सेल में यही गूंजता है। मुझे बाकी के टीचिंग सब भूल गया, तेरी रजा में मेरी रजा, जो शिव आ गया, जिस विधि राखे उस विधि रही है। ये यहाँ आने के बाद ही होता है आदमी को, छलांग लगा दिया उसने, अब तू जाने, यहाँ तक तो मैं उछल कूद कर रहा था बंदर जैसा, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, यहाँ के छलांग लगा लिया, अब तू पकड़ या छोड़ तेरे ऊपर। उसके बाद जो जिंदगी है उसके हिसाब से चलता है, यहाँ जीवन मुक्ति सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसके बाद छलांग टुवर्ड्स मोक्षा। तो शिव के स्वरूप को अगर जानना है, निश्चल बन के बैठती है, निर्गुण निराकार, उसके बाद आप समाधि तक भी जाओगे, समाधि के बाद तुरिया में भी प्रवेश करोगे, लेकिन वो तुरिया में भी नहीं मिलेंगे आपको। ये लोग सोचते हैं कि वो तुरिया में मिलेंगे, तुरिया में आपको दर्शन मिलेंगे, तुरिया में आपको चित्र मिलेंगे, आपको प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखेगा, साउंड दिखेगा, नाद सुनाई देगा, ये सब होगा, वही मेरे, लेकिन वो भी वो नहीं है। रग रग में, हर सेल में यही घूमता है। वही अभी हम प्रणव मंत्र लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी ये निर्वाण शतकम ले लेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं ये जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब उसके अंदर वही तत्व है। तू जाने, यहाँ तक तो मैं उछल कूद कर रहा था, हमारा भौतिक ज्ञान कभी ऊपर गया, सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ के छलांग लगा लिया, भौतिक ज्ञान यानी कि जो भी इवन आपके शरीर है, कुंडलिनी है, नाड़ी है, चक्र है, ये सब ये भी भौतिक ज्ञान में आता है, ये अध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिक कहला जाता है लेकिन भौतिक ज्ञान है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में ही रहता है। आपके कोष के बारे में आप क्या करोगे, कोष की पुष्टि करके क्या करोगे, देख लो अध्यात्म में क्या करते हो, प्राणों की पुष्टि करते हो, क्या करते हो, शरीर को पुष्ट करते हो, फिर बना लेते हो पैक मस्कुलर बॉडी,
सिक्स पैक, टेन पैक, इसलिए मैं बोलता हूँ भगवान नित्यानंद को देखो, सिंगल वन पैक है, स्वामी समर्थ को देखो वन पैक है, कहाँ है एट पैक, कहाँ है बॉडी मेंटेनेंस में जाएंगे, हरि तत्व में है ही नहीं। और हम सब पुष्टि कर लेते हैं, शरीर को भी पुष्टि कर लेते हैं, अच्छे खाओ, स्वाति खाओ, वीगन बनो, फलाना ढिमकाना बनो, प्राणायाम करो, प्राणों को पुष्ट करो, लॉन्गेविटी बढ़ाओ, कायाकल्प बढ़ाओ, इमॉर्टल बनो, क्या मिलेगा? भगवान नहीं मिलते इमॉर्टल बनने से, शरीर को लंबा करते जाओगे तो थोड़ी इमॉर्टल इमॉर्टलिटी मिलेगी, सिद्धियां मिलेंगी उसके अंदर। उसलिए सत्य मना करते हैं चिदाकाश गीता में भगवान नित्यानंद, उसमें पढ़ना ही नहीं है, नहीं मिलेगा शिव। पढ़ लो ठीक से आप चिदाकाश गीता, नित्यानंद को समझो। जो भी इवन आपके शरीर है, कुंडलिनी है, नाड़ी है, चक्र है, ये सब ये भी भौतिक ज्ञान में आता है, ये अध्यात्म नहीं है, अध्यात्मिक कहला जाता है लेकिन भौतिक ज्ञान है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में रहता है। आपके कोष के बारे में आप क्या करोगे, कोष की पुष्टि करके क्या करोगे, देख लो अध्यात्म में क्या करते हो, प्राणों की पुष्टि करते हो, क्या करते हो, शरीर को पुष्ट करते हो, फिर बना लेते हो पैक, मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक, टेन पैक। इसलिए मैं बोलता हूँ भगवान नित्यानंद को देखो, सिंगल वन पैक है, स्वामी समर्थ को देखो वन पैक, कहाँ है एट पैक, कहाँ है बॉडी मेंटेनेंस में जाएंगे, हरि तत्व में है ही नहीं। तो तुरिया में भी, समाधि में भी, ध्यान में भी आपको ये सब चीजें प्रतिबिंब दिखेगा, मन की कल्पनाएं दिखेंगे, मन के प्रोजेक्शन दिखेंगे, वो भी नहीं है। इसलिए हम ये सब धज्जियां उड़ाते हैं, इन सब चीजों को कोई मायने नहीं देते हम लोग। मेरे गुरु दर्शन दिए, भगवान ने दर्शन दिए, माँ स्वयं प्रकट हुई, कोई उसमें प्रशंसा नहीं। आए तो देखो, दृष्टा भाव रखो, आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि जो भी दृष्टि दृष्टा में देखता है वो देखते हैं कि जो भी दर्शन होते हैं वो आते हैं जाते हैं, वो निरंतर नहीं होते आपके पास, वो सब मनोमय कोष में चल रहा है आपका। तो एक अलग ही अध्यात्म है इन सब चीजों को, कोई भी चीज को नहीं पकड़ना है, कोई भी चीज को नहीं पकड़ना है, भले कितनी भी दिव्य लगे। एक वो स्थिति मैं बता रहा हूं जहां पे असेंडेड मास्टर्स को तक नहीं पकड़ते, नित्यानंद तक नहीं है, समझ लो ये चीज को, निर्वाण शटकम में वो तक नहीं है। कितने भी आपके डिवाइन कॉन्सेप्ट से, कितने भी महा महा कॉन्सेप्ट आपने बनाए, उसको भी त्यागना होगा तब भी वो। तो ये पंचकोश भी नहीं है। बोलते हैं नहीं नहीं, ये मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सब कोश, बॉडी मेंटेनेंस, लाइफ, संसारा, भोग, उतना ही है। उसमें सबसे सूक्ष्म जो है वो है आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश भी लोग समझते हैं कि वो बड़ा दिव्य है, वो आनंदमय कोश में आपका एक्सपीरियंस होता है समाधि, यू एक्सपीरियंस ऑल योर ब्लिसफुलनेस एंड समाधि देयर, आनंदमय कोश, ऑल योर डिवाइन प्रोजेक्शन, ऑल प्रोजेक्शन फेक, मोस्ट डिवाइन विजन ऑल्सो फेक, निरंतर नहीं होते आपके, बिकॉज आनंदमय कोश इज कारण शरीर, आनंदमय कोश इज ईगो। तो एक अलग ही अध्यात्म है इन सब चीजों को, स्टार्टिंग ऑफ ईगो, सूक्ष्म अहम ईगो, अहम वृत्ति है वो, कितनी भी दिव्य, वहीं से मल शुरू हो गया, निर्मल यानी वो आनंदमय कोश को भी मिठाना। तो वहां पे प्रसन्न चित्त होके बड़े बड़े एक्सपीरियंस, तुरिया नहीं, तुरियातीत होना है। तुरियातीत में चिदाकाश है, तुरियातीत में परावाणी है, तुरियातीत में आपको निर्गुण निराकार मिलेंगे। तो ये पंचकोश, तो आप देखो कहाँ तक है, और हम जितना भी अभ्यास करते हैं तुरिया तक भी नहीं पहुंचे, हम ध्यान समाधि में ही मस्त है। इसलिए मैं बोलता हूँ वो तो बेवड़ा भी करता है, उसको भी टेंशन आता है, जाके पैक मारता है, सूक्ष्म जो है और सच्चिदानंद में घूमता है, आनंदमय कोश। देखो उसकी हंसी देखो, कितना फ्री हो गया, परम चैतन्य दिखेगा उसके चेहरे पे आपको, नित्यानंद की स्थिति, नित्य आनंद, सच्चिदानंद, वो स्थितियां दिखेंगे। कब तक? जब तक नशा है, उतरा आ गया नीचे, ऐसे ही ध्यानियों का भी वही होता है, ध्यान समाधि में मस्त मग्न, जैसे उतर गया नशा फिर बोलेंगे अरे यार फिर टेंशन, अब शराबी क्या करता है, वो बोलता है फिर और एक पैग लगा लेता हूँ यार, मुझे नहीं संभालता, एस्केपिज्म, गो टू द बार, हैव अ पैग। सिमिलरली हियर सीकर्स, एस्केपिज्म, फेड अप, गो एंड मेडिटेट, क्लोज द डोर एंड मेडिटेट, एंड डू व्हाट,
नेक्स्ट डे आर द सेम ओल्ड क्रैप. आफ्टर द मेडिटेशन वी आर द सेम ओल्ड क्रैप. वी ओनली थिंक समथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड. चिदाकाश है, तुरियातीत में परावाणी, तुरियातीत में सिद्धियों में बिल्कुल नहीं पढ़ना जो भी इस मार्ग में है. ये सब वेरी कैची, ग्लिटरी, ग्लैमरस, नहीं पढ़ना. कीप योर माइंड जस्ट ऑन दैट नथिंगनेस. कुछ भी, कितने भी डिवाइन को, एंड दैट नथिंगनेस विल प्रोटेक्ट यू. अगर आपको लगता है कि ओ, इफ आई गिव अप, विल टेक केयर ऑफ मी, तो यहीं पे पता चल गया ना, व्हाई आई एम कैचिंग ऑन टू दीज थिंग्स फॉर माय सिक्योरिटी ओनली. नित्यानंद की स्थिति, नित्य आनंद, सच्चिदानंद. तो वहां पे जब स्थितियां दिखेंगे, कब तक, जब तक हम जाते हैं तुरियातीत. एक व्यक्ति ऐसे आए रमण महर्षि के पास आके, बोले कि एक योगी बैठे हैं, 100 साल हो गए समाधि में चले गए, 100 years passed, he is in समाधि, one yogi, and now he has woken up, everybody is running towards him, and this mystic is sitting quietly, not impressed. Everybody is thinking what the big deal? No, he is thinking what the big deal? Everybody is thinking it's a big deal. 100 years of समाधि, imagine, 100 साल तक समाधि में है, and somebody has woken up. Such a great feat. This is Siddhi. So that mystic said, go and find out what happened after the Samadhi. जाके पता लगाओ कि समाधि के बाद क्या हुआ. तो जाके पता लगा कि वो योगी उठे समाधि से, and he came out of that Samadhi and asked for water. Give me water. तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेट करो कि पानी क्यों पूछ रहे. इन्वेस्टिगेट तो किया तो पता चल गया, 100 साल पहले जब समाधि में जाने वाले थे, प्रवेश करने वाले थे, उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने बोला प्यास, पानी ले आओ. लेकिन पानी आने से पहले, बिफोर द वाटर कमिंग, ही एंटर्ड इनटू समाधि. दैट वृत्ति ऑफ वाटर वासना रिमेन्ड डैंगलिंग फॉर 100 years. द मोमेंट ही ओपन्ड हिज आईज, द फर्स्ट वृत्ति, विकल्प दैट केम इज, गिव मी वाटर. एक व्यक्ति ऐसे आए रमण महर्षि. Then this mystic asks, what use is that samadhi that cannot eradicate one vasana of water yet? So this is what happens. Yehi hota hai jab hum nashe mein baithte hain samadhi ki. Samadhi ka nasha ek had tak theek hai. Till you are a rajyogi. Rajyogi nahi, antaryogi. It's good. But if you come to the gyan mark, that is what we are talking, Arunachala, Ramana Maharishi, all this gyan mark, Devi Kalutra, Sarva Gyanutra, all these kind of topics, Upadesh Saram, चिदाकाश गीता, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, ऑल स्टार्ट्स हियर. इसमें ये कोई भी योग साधना ही नहीं है इसके अंदर. फॉर देम इज निर्वाण, शटकम, एंथम, स्पिरिचुअल एंथम ऑफ द निर्लंब योगीज इज निर्वाण शटकम. देन यू सिंग दिस, देन इट मेक्स यूज. अदरवाइज आप गाओगे, फिर एक चित्र लगाओगे, या मन में फिर एक चित्र आएगा, नाम रूप आएगा, और भक्ति में रह जाओ. लेकिन पानी आने से पहले, सो आई एंटर इनटू दैट निर्वाण शटकम. तो जितना भी हमने चर्चा की आज, वो आप देखोगे कि वही यहाँ आदि शंकराचार्य जी वही बताने का प्रयास कर रहे हैं. तो इसलिए मैं जो सत्संग भी करता हूँ या भजन भी करता हूँ, हमारे सारे भजन अब वो या वैसे वाले, वो आकृतियों वाले नहीं. जहां भी मोह बंधन आता है, वो मनी नहीं करता भजन गाने की, कि मेरे कृष्ण आएंगे हमें बचाएंगे, या है तू ही है सब कुछ, या नूरे खुदा तुझे ढूंढता हूँ कहाँ छुपा है, ये सब नहीं है. वो छुपा छुपी खेलने वाले थोड़ी है परम तत्व. एक वो ऐसे गाने, नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है हमें ये बता. अब फनी लगता है, बट यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि पूरे जो गाने वाला है, जो महसूस हो रहा है, जिस पे हम चिंतन कर रहे हैं, जो पूरा ध्यान हो रहा है, सब कुछ वही तत्व है. वही आदि शंकराचार्य जी वही बताने का प्रयास कर रहे हैं. तो हमारे सत्संग ऐसे ही होते हैं, रात के वगैरह बहुत गहरे होते हैं. आज तो चलो सत्संग हुआ, कल तो हमने ध्यान भी किया, सत्संग भी करता हूं या भजन भी करता हूं, हमारे प्री सेशंस में वो भी होता है, क्लैरिटी होती है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं,
प्रश्न पूछते हैं, किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हो। अब प्रश्न कहाँ दिखेगा मुझे पता नहीं। ये सब नहीं है, वो छुपा छुपी खेलने वाले थोड़ी है परम तत्व। अच्छा, कुछ लोग अभी अभी एडमिट किया मैंने उनको, पेंडिंग था इसलिए मैं डालता हूँ। रात के हमारे सत्संग होते हैं 9:30 के बाद नो एंट्री, 9 o'clock शुरू होता है, 9:30 के बाद नो एंट्री, क्योंकि नो डिस्टर्बेंस। जिसको समय मिले, जिसकी प्रायोरिटी है वो बैठे, नहीं तो उनको जो विषय वासना अच्छा लगे उसमें करें, अपनी अपनी मर्जी। तो यहाँ तो चैट बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे पता नहीं कहाँ दिखेगा इसके अंदर। तो आई जस्ट फील ओके, आई विल जस्ट लीव द माइक ऑन, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क क्विक 5 minutes यू कैन जस्ट आस्क। तो हमारे सत्संग ऐसे ही होते हैं, रात के वगैरह बहुत गहरे होते हैं, आज तो चलो सत्संग हुआ। या फिर आप हाथ ऊपर करो, मैं उनको ही अनम्यूट करता हूँ, नहीं तो सारा नॉइजी हो जाएगा। क्लैरिटी होती है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हो। गुड, आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस टुडे। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख भी सकते हो, अगर आपको ये आप कुछ यूट्यूब पे भी है, कुछ इंस्टा पे भी है, आई डोंट नो वेयर ऑल, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अगर कुछ है तो वो आंसर किया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो shiftingintoawareness.com/join। सीधे आपको एक मैसेज आएगा व्हाट्सअप से, और वो व्हाट्सअप इंडिविजुअल पर प्राइवेट मैसेज आएंगे आपको, जो भी लिंक्स है अपडेट्स जूम के सारे लिंक्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, बहुत तीव्र है, अभी मैंने क्लियर बता दिया है, कोई टाइम पास सब्जेक्ट नहीं होता यहाँ पे। ये अगर आपको बहुत जिटरी लगता है, खतरनाक लगता है, तो ना आइएगा। जहाँ आपको लग रहा है कि आप डीप जा सकते हो और आपको अनुभव करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर हियर। Okay, I'll just leave the mic on. If anybody wants to ask quick 5 minutes, you can just ask. Okay, I wouldn't address all these kind of questions right now. It's genuine on one point, where you are telling about hurting others, not hurting. We are talking from a zone now. When we go into this Chidakasha, we are simply operating from that level where we are saying the world does not exist there at that time. The world and the sufferings and this and that, all these formalities happen only when the aham vritti comes and I enter back and then begin interacting with the world or people, and then the concepts and this is right and that is not right, the ethics and all that you fall into. But if you are withdrawn into the self, that is what Nirvana Shatakam is, throw off all knowledge, throw off all the kind of debates, throw off all confusion and just stay suspended. Then only you can go into that. So today's subject is on that. So if today somebody asks me what, if wars are happening, pandemic is happening, what do you have to say? I will only say again, as I always say, pandemic does not affect you when you are sleeping. Other people's hurt does not affect you when you are sleeping. Others' peace or suffering does not hurt you when you are sleeping. Others' justice and injustice does not hurt you when you are sleeping. Why? Because the ego is absent. So it's very clear, only when the ego is active, you are involved in all these kind of things. And the ego wants to prove, ego wants to clear, ego wants to justify, ego wants to get solutions, ego wants to save humanity. Somebody asked Ramana and Ramana said, at night when you sleep, where is your humanity? So when we are talking about mukti, it simply means as soon as you dissolve the whole ego, the aham, which is there in Shiva Sutras, you will understand all these are the projections playing on the chitta. That is why when you enter into deep sushupti at night, all these just vanishes. There is no world, there is nothing. Only when the aham returns in the morning, everything comes back again. So we can again debate on these things again and again, as long as the ego is alive, there is no end to it. So we don't go into that zone, trying to explain justice and injustice, what is right, what is wrong, because there is no end to it. We simply want to experience what is there beyond this justice and injustice. That is why Rumi said, in between, above,
the field of right and wrong, there is another dimension. I shall meet you there. We must rise above all this. Peace and suffering and this and that and Buddha and Rama and who was justified, who was not, their philosophy was right or not, where Advaita is right or Dvaita is right. You can see all ignorant guys, even in the spiritual field, who are sitting and fighting, this Advaita is better and that Advaita is, what nonsense. The moment you say Vashishta Advaita and this Advaita, that Advaita, there are 10 different, 20 different kinds of Advaitas. It's absurd, because the moment you split Advaita into, it's no more Advaita. This can be the heights of even peaks in spirituality can do all these things. People who have reached to that stage also can talk about these things. So you have to be very, very careful. So enlighten this, the third eye, Viveka, and then all these things will be very clear to you. Lesser and lesser you get involved into all these things, because there is no end to the involvements. Ego will always keep going. So Nirvana Shatakam is also known as Atma Shatakam. This is that state. Ye wo sthiti hai. Ab chodo, prashna vashna chodo. Debates will be jane do, ab dhyan karo. And you enter into this state, all this will dissolve. All your questions will dissolve, and then you will say, why did I even go to ask all these things? There is no end to it. कहाँ होता है ये प्रश्न, कहाँ दिखते हैं, कहाँ ये जस्टिफिकेशन होता है? मन बुद्धि, मन बुद्धि, बुद्धि ट्राइज टू जज, गिव्स ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग. बुद्धि हैज दिस क्वालिटी ऑफ जजिंग एंड गिविंग ओपिनियन. माइंड गैदर स्टफ. माइंड क्या करता है? बेस्ड ऑन मेमोरीज एंड व्हाट यू हैव लर्नड एंड गैदर्ड ऑल द नॉलेज, व्हाट बुद्धा स्पोक, व्हाट दिस रिलीजन स्पोक, ऑल गैदर्ड नॉलेज. You ask a tribal person who is very spiritual, he will not know Buddhism. No arguments only, if he doesn't know. Arguments begin with this, all this bhautik knowledge. So, jitna knowledge, utna khatarnak. Isliye Shiva Sutra, second verse, Jnanam Bandha. Aapka jnan hi aapko bandhan banata hai. Shiva says, give up that knowledge. All knowledge, including spiritual knowledge. It will block your progress. तो ये तीन चीज जो है हमको जिंदा रखती है, इन सब चीज, मन बुद्धि अहंकार और चित्त. चित्त इज मेमोरी. माइंड, मन बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो एंड चित्त. चित्त इज मेमोरी. ये चार के वजह से ये सब दुविधा होती है. तो ये चारों को साफ करना, यानी अंतःकरण को साफ करना हमारी साधना है, हमारी तप है. इसको हटाना, मैल हटाना है, निर्मल मन हो जाएगा. इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोजिभेता च ग्राणनेत्रे. न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप
शिवो हम शिवो हम। इसलिए स्मरण करना जो मैं कह रहा हूँ, कॉन्टेम्पलेट एंड मेडिटेट ऑन दिस वर्ड्स, फॉरगेट ऑल द डिबेट्स, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, ऑल रीजनिंग, ऑल लॉजिक, थ्रो एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट फोकस ऑन दिस। जहां वो कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, ना मैं चित्त हूं, मेमोरी हूं, मैं कान नहीं हूं, यानी पंच इंद्रिय की बात कर रहे हैं अब, मैं सुनना नहीं हूं, आई एम नॉट द ईयर्स, आई एम नॉट द स्किन, आई एम नॉट द टच, स्पर्श नहीं हूं, आई एम नॉट द नोज, नॉट द स्मेल, गंध नहीं हूं, आई एम नॉट द आईज, जो हम देखते हैं, साइट नहीं हूं, साथ ही साथ मैं आकाश भी नहीं हूं, ना मैं पृथ्वी हूं, ना मैं अग्नि हूं, ना पानी जल हूं, ना वायु हूं। तो इन सब चीजों को हटा के देखो, पंच महाभूत हट गया, पंच इंद्रिय हट गया, ये इंद्रिय के अंदर ही बाकी सब कनेक्शन है, फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त ये भी हट गया। जरा ध्यान करना, हमको नॉलेज है, हम पंच महाभूत के बने हैं, ज्ञान है, ज्ञान को त्याग दो, जला दो, या डिजॉल्व करा दो, या गिरा दो, पंच महाभूत के बारे में गिरा दो। मैं इंद्रिय हूं, मैं पंच इंद्रिय से, ठीक है, उसको भी आप कुछ क्षण के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस मोमेंट 10-15 मिनट छोड़ दो, ना मैं पंच महाभूत हूं, ये जब गिर जाता है, जो शेष बचता है ये सब गिर जाने के बाद, वो है शिवोहम, निर्गुण निराकार परब्रह्मन, या फिर परम शिवा, या फिर परभैरव। इसलिए भैरव जो है, भैरव को आप जागृत करो, उद्यमो भैरव, शिव सूत्र, जैसे उद्यम आप भीतर से उसको बुलाते हो, आप ऑब्जेक्टिवली भी बुला सकते हो, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की, मैं ही भैरव, मैं जागृत हो जाऊं, उद्यमो भैरव, या फिर अगर वो मुझे समझ नहीं आती है, ऑब्जेक्टिवली भैरव मेरे भीतर है, जागो भैरव। भैरव क्या करता है, सारे वाइब्रेशन को खत्म करता है, सारे शब्द, सारे साउंड को मिटाने वाला भैरव, रव यानी साउंड, भय यानी बियॉन्ड, बियॉन्ड द साउंड जो ले जाता है वो है भैरव। साउंड क्या है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है, सोच, हर एक थॉट इज अ वाइब्रेशन। मैं मन हूं, मैं अहंकार हूं, मैं पंच महाभूतों का बना हूं, मैं पंच इंद्रियों से फंक्शन करता हूं, ये सब जो भी तरंगे हमारे एक्सपीरियंस, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, ये जो भी वाइब्रेशन है, ये ही वाइब्रेशन के वजह से हम उस साइलेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। साइलेंस दक्षिणामूर्ति शिवा, बाकी सब नॉइज है, ये सारा ज्ञान नॉइज है, ये सारे चर्चे नॉइज है। उद्यमो भैरव करो, वो मिटाएगा इसे, वो मिटाने के बाद जो बचता है वो है परभैरव, परम शिवा, इसका कोई आकार नहीं ना रूप है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोजिभेना च ग्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु। शेष जो बचता है वो है चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम, यानी मैं ही शिव हूं, उसकी अनुभूति। और वो अनुभूति से जो आनंद निकलता है, वही सच्चित आनंद,
सत और चित जब मिलता है, इसका जो एक्सपीरियंस होता है, दैट इज सच्चिदानंद. सत इज प्रकाश, शिव प्रकाशमय, चित इज विमर्श, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्रकाश. जब मिलता है, जब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड एंड द एक्सपीरियंस तीनों भी मिल जाता है, तो शिवोहम 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 वो नहीं है जो हम बैठ के बोलते हैं मैं शिव हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम शिवा. वो ईगो कह रहा है, वो कोई है जो क्लेम कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये नहीं हूं, लेकिन मैं शिव हूं. तो जो बोलता है, जो क्लेम करता है, वही अहम अभी भी है, तरंगे अभी भी है, भैरव ने पूरा मिटाया नहीं. जब वो भी मिटता है, क्लेम करने वाला भी नहीं रह जाता है, तो सिर्फ सच्चिदानंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. आई होप द साउंड इज क्लियर. मुझे कोई पता नहीं उस तरफ क्या हो रहा है. अगर सब क्लियर है तो जरा थम्स अप बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट लाइन कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न व सप्त धातुर्न व पंच कोशः नवाक पाणी बादम न चोपस्त पायु छिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. अब वो कह रहे हैं आई एम नॉट द ब्रेथ, मैं ये श्वास नहीं हूं. हम लोग इतने ये हो जाते हैं श्वास के पीछे, वो श्वास में भी परमात्मा नहीं मिल सकता. ना मैं पंचभूत हूं, द फाइव एलिमेंट्स, ना मैं मैटर हूं, ना मैं धातु हूं कोई, ना पंचकोश हूं. पंचकोश आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, मैं वो हुई नहीं. लेकिन हम इसको पुष्ट करने में लगे हुए हैं. इनको कितना भी पुष्ट करो नहीं मिलेगा. इनको पुष्ट करने यानी इनको मिटाना. जब इनको मिटाओगे, इनका जो आभास है, इनका एक्सपीरियंस जो मिटाओगे, तब जो शेष बचेगा तो वो है शिव स्वरूप. साथ ही कह रहे हैं, नॉर एम आई द स्पीच, द हैंड्स और फीट, ना मैं हाथ हूं ना पैर हूं. यानी कर्म इंद्रिय नहीं हूं मैं, ना मैं ज्ञान इंद्रिय हूं. मैं दसों इंद्रिय नहीं हूं, कर्म इंद्रिय प्लस ज्ञान इंद्रिय, दस इंद्रियों भी नहीं हूं. ना मैं ये वाणी हूं. जो बोलते हैं हम, जितना बोलते हैं वो वैखारी है. ये जो भी आप सुन रहे हो ये वैखारी है, ग्रॉस. ये मंत्र जब जब हम करते हैं, जोर जोर से पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर, जोर जोर से चीख चीख के पाठ करते हैं, वैखारी है. एंड इट इज नॉइस ऑन अ ग्रॉस लेवल. उसको कम करते जाना है. भैरव उसको मारता है, साउंड को मारने वाला भैरव है वैखारी. फिर मध्यमा बनता है. ना मैं स्पीच हूं बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है, ये वैखारी जो मंत्र है जो हम बोलते हैं, वो फिर लोगों को नहीं सुनाते हैं, अपने को सुनाते हैं. जो हम भजन कीर्तन दूसरों को सुनाते हैं वो बंद होता है, खुद के लिए गाते हैं. जो मंत्र पाठ जोर जोर से सब दुनिया मोहल्ला सब सुनते हैं, जो लाउड स्पीकरों में सुनाते हैं भगवान के तत्व, वो बंद हो जाता है, फिर अपने आप को सुनते हैं. वो मध्यमा हो गया वाणी. मंत्र जाप कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ओम त्र्यंबकम जामि सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनामृत्योर मोक्षेमामृत, सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, बगल वाले को तक नहीं सुनाई दे. मध्यमा हो गया और पावरफुल हो गया, नजदीक पहुंच रहे हो आप शिव के. अब इसको और मध्यमा, जैसे मेरा चित्त ऊपर उठता है, साफ होता है, तो अपने आप भीतर से इसकी गति,
या इसकी जो ध्वनि है धीमा हो जाता है, तो मध्यमा से पश्यंती में चला जाता है। पश्यंती यानी मन में घुसता है, अब यहाँ चल रहा है, ये भी मूवमेंट नहीं, ये भी बंद हो गया, सब हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम दत्त 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पे चाहिए सिर्फ तरंगे जो आपको मन में सुनाई दे रहा है, कानों को भी नहीं, मुख को भी नहीं, कहीं और गतिविधि नहीं, वो अब पश्यंती हो गया, वेरी पावरफुल। गुरु मंत्र हम करते हैं ना, पहले जोर जोर, फिर धीमा धीमा, फिर मन में चलता है निरंतर, वो किसी को पता नहीं चलता। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मंत्र ही चल रहे हैं, मंत्रमय हो गया है, मंत्र महेश्वर हो गया, मंत्र महेश्वर भी नहीं हुए, अगला स्टेप मंत्र महेश्वर। उसके बाद जब वो भी तरंग जो धीमा धीमा यहां चल रहा है वो भी बंद होए, आपको कॉन्शियसनेस ही वो है शिव का, राम है तो राम की चेतना है, चेतना है, अनुभूति है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड नॉट एज मंत्र एज दैट तत्व इटसेल्फ। परावाणी में पहुंच गए, अल्टीमेट मोस्ट पावरफुल वो है दक्षिणामूर्ति स्वरूप, वहां से सब डाउनलोड होता है। फिर वहां ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, बोलने वाले भी आप सुनने वाले भी हो, एक हो गए, वो ये स्थिति है, आई एम नॉट द स्पीच। न च प्राण संज्ञो न वहि पञ्चवायुः नव सप्त धातुर्नव पञ्चकोशः। तो ना मैं पंच प्राण भी हूं बोल रहे हो, जो पांच प्राण होते हैं, पंच वायु होता है हमारे अंदर, चिदाकाश गीता में हमने सब बहुत डिटेल में किया, मैं वो भी नहीं। नवाक पाणी पादम नचोपस्त पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये तो अभी गूंज रहा है तरंग, ये वैखारी के मध्यम से भी आ रहा है। ये जब तरंग भीतर अंदर से चले तो वो पश्यंती हो गया कि तरंगे चल रहे, चिदानंद रूप सुनाई नहीं दे रहा, ना कोई बोल रहा है लेकिन चल रहा है। होता है ना हमारे सुबह जब उठते हैं या कभी कभी फिल्मी गाने चलते रहते हैं कंटिन्यूस, आप हटा नहीं सकते, वही मंत्र जाप वही है, जिस चीज का भी आप ध्यान करते हो वही आप हो जाते हो। तो यहां वो गूंजनी चाहिए आवाज, और अगर आप स्मरण कर रहे हो आप देखोगे आप रात को भी यही गूंजेगा बिना कोई सुनाए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वैष रागो न मे लोभ मोह न मे वै मदो नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यहाँ कह रहे हैं मेरे अंदर मैं राग ना द्वेष हूँ, मेरे में नहीं है राग द्वेष, ये अच्छा लगता है वो बुरा लगता है, अभी बोला ना ये दिव्य है वो दिव्य नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं, ये सफर कर रहा है वो पीसफुल है, इन्होंने गंदा काम किया इन्होंने अच्छा काम किया, कोई संत है कोई क्रिमिनल है,
कोई प्रकार का ये अच्छा है बुरा है, बोले ना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग देर इज अनदर डायमेंशन, आई शैल मीट यू देयर, रूमी ने कहा, राग द्वेष के परे। कोई सत्य है असत्य है वहां वो भी भाषा नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है। ना लोभ मोह है, कोई भी लोभ ग्रीड नहीं है मेरे अंदर, ये चाहिए वो चाहिए, वासनाएं विकल्प है संकल्प है इच्छाएं हैं अभिलाषाएं हैं, वो नहीं है। उस स्थिति के बारे में बोल रहे हैं, वहां पे वो कुछ नहीं होता। ये नहीं, भगवान अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, वो बता रहे कि आप जब उस स्थिति में आते हो जब कुछ नहीं होता तो ये स्थिति होता है, या फिर इस स्थिति में जब आते हो तब ये सब नहीं होता, ना लोभ होता है ना मोह होता है। मोह अटैचमेंट, ना मेरे अंदर प्राइड है ना जलसी है ना मद ना मत्सर्य है, ये भाव है ही नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं है किसी से, कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही घमंड है ना ही अहम है कि मैं कुछ हूं, हम अध्यात्म है, हम फलाना डिमकाना एक्स वाई जेड योगी है, हम इस पात के हैं, हम इस परंपरा से हैं, तो हम उच्च क्यों हुए बाकी सब नीच क्यों हुए, वो देखो अज्ञान मूर्ख, हम देखो ज्ञानी, हम देखो कितना साधना तप करते हैं वो देखो कुछ नहीं करते हैं, हम देखो कितने अच्छे लोग हैं वो देखो कितने बुरे हैं। ये राग द्वेष भी नहीं है, ना ये घमंड है ना ईर्ष्या है, जो मेरे से नीचे है ना उसके प्रति मुझे घमंड है कि मैं ऊपर हूं वो नीचे है, ना मेरे से जो ऊपर है उसके प्रति ईर्ष्या है कि वो वहां क्यों है, कैसे वो ये कर सकता है जो मैं कर रहा हूं। अध्यात्म यानी सिर्फ हमारा ये हक है कोई ये न बने, ज्योत से ज्योत जगाओ नहीं, ज्योत से ज्योत बुझाओ का जब भाव आए तो ईर्ष्या है घमंड है, तो उस तत्व में ये बिल्कुल नहीं। आई हैव नो ड्यूटी नो डिजायर फॉर वेल्थ लस्ट और लिबरेशन, ना मेरा कोई धर्म है ना कोई इच्छा है वेल्थ की, कोई अभिलाषा नहीं है धन प्राप्ति की, अबंडेंस सो कॉल्ड अबंडेंस आज के मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में बहुत चलता है, वो है ही नहीं अबंडेंस नाम का। अबंडेंट कौन है जो स्थिति में रहता है, जो स्थित है, अवधूतों को देखो उनसे अबंडेंट कोई है क्या, नंगे पंगे कुछ नहीं है उनके पास। अवधूत गीता में जब अवधूत भगवान दत्तात्रेय वहां बैठे हैं नग्न धूप में, राजा परीक्षित वहां आके देखते हैं कि ये क्या है, मेरे पास सब कुछ है धन दौलत सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं, और ये कौन है जो नंगे खड़े हैं वो भी धूप में खड़े हैं, और इन इतने प्रसन्न चित कैसे हो सकते हैं, जाके पूछते हैं आप कौन है महाराज, कहां से आया और आपकी स्थिति क्या है और आपके गुरु कौन है कि आपको ये स्थिति प्राप्त हो गई। भगवान दत्तात्रेय अपना आंख खोलते और बोलते हैं उनके स्थिति में क्या है, ये स्थिति बताते हैं और बताते मेरे गुरु आत्मन है, मेरे आत्मन मेरे गुरु है, उसके अंदर से 24 तत्व जो निकले वो सारे 24 मेरे गुरु है प्रकृति के, इनके साथ एक होके मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। तो यही अबंडेंस है, यहां पे धर्म वर्म नहीं चलता, ये मैं हर बार बोलता हूं, अभी अभी अध्यात्म में टाइम है, अभी मेरा बहुत धर्म है, अभी कर्म है, अभी ये पुत्र धर्म करना है पितृ धर्म करना है लोक कल्याण करना है, ये धर्म वो धर्म बहुत है, ये सब एक्सक्यूज है, ये सब नौटंकी है, ध्यान रखना ये मन के छलावे हैं, मन के अंदर वासनाएं हैं उसको तृप्त करने के लिए ये अब धर्म के आड़ में घुस रहा है। मैं हर बार पूछता हूँ इस चीज को, ये धर्म लाया कौन, भगवान आके आपको गोद में डाल के चले गए या फिर आपने खुद ऐसे कर्म किया कि आप धर्म में फंस गए, धर्म के नाम पे फंस गए कि वो करने पे मजबूर हो गए। यहाँ भगवान बता रहे हैं मेरा कोई धर्म नहीं है, ना मुझे कोई संपत्ति की अभिलाषाएं, ना मेरे में काम है, काम यानी काम वासना ही उतना ही नहीं, काम यानी डिजायर्स ही नहीं है, इच्छाएं ही नहीं है, ना ही मेरे अंदर मोह इसका भी है,
अभिलाषा मोक्ष की भी है, क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा वो कर सकता है जो अभी पूर्ण नहीं है, और शिव तो पूर्ण है, तो उनको क्यों अभिलाषा होगी, वो तो उस स्थिति में लिबरेटेड ऑलरेडी, तो कोई चीज की उनको तलब नहीं है, स्थिति है संपूर्ण स्थिति है। तो इसके लिए वो ये बता रहे हैं, ये लाइन। अगला बता रहे न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब ये कह रहे हैं ना मेरे अंदर पुण्य है ना पाप है, मैं बोला ना नो राइट नो रॉन्ग दैट स्टेट। अवधूत गीता आप करो आपको समझ आएगा, अवधूत इज एक्सप्लेनिंग कि अवधूत की स्थिति वो है ना इच्छा है ना कामना है ना पुण्य है ना पाप है। हमारे लिए पुण्य और पाप, उनके लिए पुण्य पाप, इसलिए अवधूत को देखो ऐसे ऐसे हरकतें कर जाते हैं आपको लगेगा अरे ये तो पाप लगेगा, गाली दे रहे हैं ये तो, डंडे मार रहे हैं लोगों को, कितने गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं, पाप नहीं लगता इनको? नहीं लगता, क्योंकि उन सब चीजों से ऊपर पहुंच चुके हैं, वो स्थिति में है ना पुण्यम ना पापम, अवधूत की स्थिति, ना सौख्यम ना दुखम ना प्लेजर, नो प्लेजर नो पेन। इसलिए अवधूत गीता पढ़ो आपको समझ आएगा, ये जितने भी वहां पहुंच गए ना उनको शरीर का बोध है ना उनको कुछ लेना देना है, शरीर के सुखों से भी नहीं शरीर के दुखों से भी नहीं, शरीर से जो बंद के आप जो जन्म कहते हो उससे भी नहीं, शरीर से जो हट के जो मृत्यु कहते हो उससे भी कोई परवाह नहीं। आई नीड नो मंत्रस, मुझे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, ना पिलग्रिमेज ना तीर्थ यात्रा की मुझे आवश्यकता है, नॉर द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, ना उसकी एक्सपीरियंस ही, उसकी अनुभूति भी नहीं। तो ये वो स्थिति है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पिछले डेढ़ घंटे से, जो कबीर साहब गाते हैं, भला हुआ मोरी घगरी टूटी मैं पनिया बरन से छूटी रे मोरे सर से टली बला, भला हुआ मोरी माला टूटी मैं राम भजन से छूटी मोरे सर से टली बला। हम बोल सकते हैं क्या ये मेरा रुद्राक्ष टूटा अच्छा हुआ, बोल सकते हैं? हिम्मत है? मंत्र बट 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 सुबह शाम चलता है, बंद कर सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं चाहिए, ये बोलने से नहीं होगा, ये छूटता है अपने आप, मंत्र भी छूटता है माला भी छूटता है, ये वो स्थिति है, या ये वो स्थिति की तरफ ले जा रहा है। लोग डरते हैं, कोई माला आपको नहीं बचा सकती, कोई यंत्र आपको नहीं बचा सकता, मौत जब आनी आएगी, ये सब मन की एक तृप्ति के लिए करते हैं, कोई मंत्र कोई यंत्र कोई तंत्र जो होने से आज तक रुका नहीं है, रोका नहीं है, रोक नहीं सकता। हम अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाके थोड़ा पॉलिश मार के बिठा लेते हैं, घबराहट जो होती है छोड़ने को तैयार नहीं कोई भी चीज। तो यहाँ वो बोल रहा है आई नीड नो मंत्रज नो पिलग्रिमेज नो स्क्रिप्चर नो रिचुअल, ना मुझे मंत्र की आवश्यकता है ना तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है ना ही मुझे वेद उपनिषद पुराण सारे ये जो स्क्रिप्चर्स है इसकी भी आवश्यकता नहीं है मुझे, ना ही मुझे कोई कर्म कांड कोई भी कांड नहीं चाहिए। हम छोड़ सकते हैं क्या? अभिषेकम या जपम हवन
समझ लेना आप ये चीज, ये हवन, ये जपम, ये तपम, ये जो भी है संसार भोग के लिए, याद रखना इस चीज को। भले ही आप कौन सा भी चोला ओढ़ लो उसके ऊपर और बोलो कि अध्यात्म के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ध्यान से बैठ के देखना, वही ये सब तत्वों में बताया जा रहा है कि छुपा हुआ है आड़ आपकी वासनाएं उसके अंदर, कोई तो भोग विलास है। कोई भी यज्ञ मुक्ति के लिए नहीं करता, वो कोई संसार की चाहिए, उसको पुत्र प्राप्ति चाहिए, धन प्राप्ति चाहिए, कुछ तो प्राप्ति ही चाहिए। सारे यज्ञ इसी के लिए होता है, इसलिए संसार मिलेगा आपको यज्ञ से, परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए शिव आके उपदेश आरंभ में उतर के उन ऋषियों को डांटते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, यज्ञ कब से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बोले कि हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। पहले वो बोले कि अपना कल्याण करो, शिव बोले, क्योंकि कितने जन्मों से आप ये लेके आके यही कर रहे हो, यज्ञ करते बैठे हो। कर्म कांड, कांड के ऊपर भी कुछ है, तो बोलते हैं कि प्रभु आपने ही तो बताया ये सब, उत्तर मीमांसा में ये सब है, आपने ही तो बताया यज्ञ करो, वो करो, ये करो। उन्होंने बोला ठीक है, बताया तो बताया, लेकिन सीखने के बाद आगे भी तो कांड है। और उत्तर मीमांसा बता रहे हो, पूर्व मीमांसा क्यों नहीं पढ़े, वहां तो बोल रहा हूं मैं त्यागो। तो ये सब चीज अपने को समझ नहीं आएगा, जब चित्त यहाँ पहुंचता है, ज्ञान मार्ग में पहुंचता है, तब ये खुलता है, तभी हम इसके तत्वों को जान पाएंगे। एग्जैक्टली व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ओके, तो बाद में वो लास्ट को कह रहे हैं, आई एम नॉट इवन द एक्सपीरियंस नॉर द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, ना मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं, ना मैं वो अनुभव भी हूं, आई एम नॉट इवन दैट, ना मींस आई एम नॉट द एक्सपीरियंसर नॉर द एक्सपीरियंस, जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, नॉर द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, ये तीनों मिट गया। वो तो इतना ही बता रहे हैं, आई एम द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम ब्लिस, आई एम इटर्नल शिवा, यानी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और दो पैरा है, yes, I'll continue. I'm not even the experience nor the experience itself. Na main experience karne wala hu, na me mrityu shankha, na me jati beda, pita naiva naiva, mata na janma, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो जब मैं अरुणाचल तत्व बताता हूँ, लोगों को घबराहट होती है, डर जाते हैं कि कुछ नहीं है, गुरु शिष्य भी नहीं है। यहां बता रहे, देखो, आई हैव नो फियर ऑफ डेथ, नो कास्ट नॉर क्रीड, आई हैव नो फादर नो मदर, नॉर वाज आई एवर बॉर्न, आई एम नॉट अ रिलेटिव नॉर अ फ्रेंड नॉर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट नॉर द मास्टर नॉर द डिसाइपल, आई एम द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आई एम इटर्नल शिवा। तो मुझे भय नहीं मृत्यु का, मृत्यु का भय तो हमारे लिए होता है, जो पूर्ण है उसको क्या मृत्यु का भय, वही जीवन है वही मृत्यु है, ना उसको जाति ना भेद है,
देखो हम कितने दूर है, अभी भी भेद लग करके बैठे हैं, हम फलाना ढिमकाना योगी है, आई एम एक्स वाई जेड योगी, हमारा ये पात है। ये मैं भ्रांति मिटाना चाहता हूँ उन लोगों में जो मिटाने के लिए तैयार है इन सब चीजों को, नहीं तो बांधते रखो सेहरा बांध के, उस पर छाप भी लगाओ ये हमारा लीनियज है, पावरफुल लीनियज है, तो बाकी का क्या इम्पावरफुल है लीनियज? आपको क्या लगता है गुरुमंडल बाकी के जो पद के वो सब ऐसे ही बेकार है? वही तो मैं बताया, जरा जाके देखो उस अवस्था में और उस लोकों में, वहां पे है ही नहीं ये सब भ्रांतियां, हमारी ईगो करती है इस चीज को और फिर ढिंडोरा पीटती है हमारा पथ, हमारी यात्रा, हम ये योगी वो योगी, ये सब हटाना चाहिए तभी आप जाओगे उसके आगे। वो कह रहे ना कास्ट ना क्रीड ना कोई भी भेद है कोई भी चीज को लेके, है ही नहीं, ना मृत्यु का भय है, ना माता है ना पिता है। क्यों ना माता है ना पिता है? क्योंकि मैं जन्मा ही नहीं हूं कभी, किसके माता पिता होते हैं? शरीर के होते हैं, शरीर के भीतर जो है उसका माता पिता होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सारे माता पिता जो टेंशन में रहते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और बाद में बोलते भी है अध्यात्म में आगे हम कैसे हटाएं इस चीज को, मोह से कैसे निकले। मैं बोले पहले तो प्रैक्टिकल हो जाओ और सत्य के फेस करो, जब सत्य सामने आता है तो घबराहट होती है, फिर घबराहट में जाके भगवान को पुकारते हो मुझे आपसे एक होना है, एक होना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, फिर भय होता है, विशियस साइकल। तत्व को समझो कि आप जिस चीज को प्रेम कर रहे हो, संडे को हमने सत्संग किया ना, संडे को हमने मेडिटेट किया, उस चीज में हमने पूछा ना, मैंने आपको स्थिति में जाके देखो किससे प्रेम करता है आपसे, आपसे जो प्रेम करने वाले क्या प्रेम कर रहे हैं, उसके शरीर को देख के प्रेम कर रहे हैं, उसके भीतर जो बैठा है उसको कोई देख रहा है, जान भी जा रहा है, आप जो देखते हो इधर उधर, आप देखते हो किसी के डिवाइन प्रेजेंस को, कोई आत्मन बैठा देखते नहीं, आपको भी शरीर से ही प्यार है, शरीर को ही डांटते हो, शरीर को ही समझाते हो, शरीर को ही गुस्सा करते हो, शरीर से ही प्रेम करते हो। तो जो भी शरीर बोध में रहता है उनको तो भय होगा 100%, मरने का डर भय होगा, खुद मरने का या अपनों का मरने का। तो ये स्थिति जो है कि मैं कभी जन्मा ही नहीं, ये जब समझ आवे तो पिता माता कहां से आएगा? मैं माता पिताओं को उनको वही बोलता हूँ, आपने जन्म दिया लेकिन शरीर को दिया है, आपके स्पर्म और ओवम ने मिला के एक सुंदर शरीर क्रिएट किया, और उस शरीर को आप घूमे फिर रहे चलते बोल रहे हो कि ये मेरा है, मेरे शरीर से निकला है, मेरे धातु से निकला है, तो हक जमाते हो ये मेरा है, उसको तो आपने पकड़ लिया लेकिन उसके भीतर के आपने डाला, वो कहां से आया, वो किसका है? वो यहाँ उस चीज की बात हो रही, I have no father, no mother, because I was never born. तो कल किसी का बर्थडे था शायद, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए, मैंने वो रिकॉर्डिंग भेज दिया, तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच भैया फॉर माई बर्थडे गिफ्ट। मैं बोला मरे कब तुम? तो ये सब डायलॉग मार के नहीं होता कि मैं आई एम नॉट द बॉडी आई एम द, इसको जीना पड़ता है 24/7, you have to have awareness about it. भूल गए उस चीज को, फिर बर्थडे बैश में लग गए, फिर लिख दिया प्रोफाइल में विश मी ऑन सितंबर 12th, सितंबर 12th की वेट करते रहो, क्यों? पूरे साल कोई प्रेम नहीं करता, कोई अटेंशन नहीं मिलता, एक दिन तो मिले। आई एम नॉट अ रिलेटिव नॉर अ फ्रेंड नॉर गुरु नॉर शिष्य, मैं कोई सगा संबंधी भी नहीं हूँ, ना मैं दोस्त हूँ ना शत्रु हूँ, ना मैं गुरु हूँ ना मैं शिष्य हूँ। देखो अवधूत की वाणी है, भगवान नित्यानंद ने बनाया, इसका कोई गुरु नहीं, इसका कोई शिष्य नहीं। भगवान नित्यानंद से जाके किसी ने एक बार पूछा, आपके बाद कौन संभालेगा आपके कुर्सी को? किस्सा कुर्सी का, आपके लीनेज, आपके हायर नेक्स्ट कौन? द पावर ऑफ अटर्नी गोज टू होम। तो भगवान नित्यानंद ने तब बोला, इसका ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, और उन्होंने बोला ये अग्नि है, इसमें प्रवेश करने का जो दुस्साहस करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसको जो क्लेम करके भी घुसेगा नित्यानंद में, ये मेरे गुरु है, मैं इसकी परंपरा चला रहा हूं, वो जल के भस्म, भस्म में यानी क्या, वो नहीं रहेगा, क्लेम करने वाला नहीं रहेगा,
क्योंकि नित्यानंद ये है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कुछ भी नहीं है, ज्ञान की अग्नि है। तो जो भी उसके अंदर प्रवेश करेगा वो नथिंग हो जाएगा, और जो नथिंग हो जाएगा वो कहां कुर्सी वुर्सी वो कहां का आएगा। बहुत दूर हम असली अध्यात्म से। तो इसलिए वो कहते हैं न मे मृत्यु शंका न भी जाति भेद न मे न नैव पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप। जब इन सब चीजों को हटाओ, ऑल योर क्लेम्स, मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सखा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट एक 5 मिनट के लिए सब त्यागो, पहुंच जाओगे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 5 मिनट ही करो, तो 5 मिनट में जो अनुभूति होए कि सब छोड़ने के बाद ही मुझे शिवम स्थिति अच्छा लगे, तो फिर आप ललायित हो जाओगे, अब मैं इस स्थिति को कैसे बढ़ाते जाऊं। तो बढ़ाते जाना है तो छोड़ते जाना पड़ेगा, सिंपल है। इसलिए नित्यानंद ने कहा वो और ये दोनों नहीं मिल सकते, संसार और परमात्मा नहीं मिल सकते, चुनो यू वॉन्ट सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन और संसार, बोथ आर लाइक डे एंड नाइट ही सेज इन चिदाकाश गीता, दिन और रात जैसे दोनों साथ आ नहीं सकते हैं भगवान नित्यानंद चिदाकाश गीता। लास्ट पैरा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियानं न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अंत में लास्ट पैरा में यही कह रहे हैं कि मैं द्वैत से परे हूँ, कोई द्वैत नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक द्वंद है कोई भी चीज, कितना भी आप सूक्ष्म में चले जाओ, पहले आप चित्र से जुड़ोगे, पादुका से जुड़ोगे, यंत्र से जुड़ोगे, सब चीजों से जुड़ोगे, भाग यज्ञ से, पूजा पाठ से, कर्मकांड से, सब वो नीचे की चेतना है, कर्मयोग है, द्वंद है, स्थूल है, जड़ स्थूलता है इन सब चीजों में। जैसे सूक्ष्म बनते हो भक्ति योग जागृत होता है, तो भक्ति फिर बाहर दिखता है, परमात्मा शिवलिंग में दिखता है, गुरु चित्र में या कुर्सी पे या फिर शरीर में दिखता है। द्वंद भक्ति शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात, जुड़ाव शुरू हो गया, गतिशील हो रहे हो, फिर वो भेद भक्ति से अभेद भक्ति होता है, भक्ति के अंदर ही परिवर्तन, तब तक चित्त आपका अनाथ तक आ गया। जब यहां आ जाता है तो भेद मिटता है, अभेद भक्ति शुरू होता है, पराभक्ति शुरू होता है, गुरु अलग नहीं, शिष्य अलग नहीं, परमात्मा अलग नहीं, आप अलग नहीं। यहां आने के बाद कर्मकांड सूझता नहीं है, सूक्ष्म हो गए, जड़ चेतन नहीं है, स्थूल ज्यादा है तो भेद भक्ति ज्यादा है, स्थूल कम हो गई सूक्ष्म हो गए तो सूक्ष्मता में रमना शुरू हो गए, अब भीतर की यात्रा शुरू हो गई, परमात्मा बाहर नहीं। जैसे फिर चित्त ऊपर उठता है, ये अनाहत जब खुलता है भक्ति का, तो सारा भेद मिटता है, कोई ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, मुस्लिम वाले गंदे, हिंदू वाले गंदे हैं, लाल झंडा ही लहराएंगे, हमारा भारत महान, बगल का मुल्क
बेईमान, ये सब अहम की वृत्तियां हैं। जितना भी आप श्रेष्ठ समझो इस चीज को, यही वासना हम अध्यात्म में ले आते हैं, फिर झंडे अपने अपने पतों पे गाड़ते हैं, अपने अपने परंपराओं में गाड़ते हैं, फिर इनको दूर करते हैं, फिर भेद करते हैं वहां पे, फिर ये अलग वो अलग हो गया, फिर हम श्रेष्ठ हो गए वो नीचे हो गए। ये भेद भक्ति है, भक्ति है ठीक है, लेकिन भेद भक्ति है, पहुंचनी है। अनाज जब खुलता है तो सब भेद मिटता है, ना पशु प्राणी पंछी, ना प्रकृति, ना इंसान, ना नर ना नारी, इन सब में कोई भेद नहीं होता। चैतन्य देखते हो, जो हम वेबिनार करते हैं ना, लिविंग इन डिवाइन प्रेजेंस, यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ यू एज द डिवाइन प्रेजेंस एंड अदर्स एज अ डिवाइन प्रेजेंस। इसलिए भगवान नित्यानंद चिदाकाश गीता में कहते हैं, आई एम शिवा मत कहो, शिवोहम मत कहो, घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि हम शिव है, बाकी सब जीव है, हम एक्स वाई जेड योगी है, कुछ पहुंचे हुए हैं, बाकी सबको कुछ पता नहीं है, हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ है, ये सब घमंड आना शुरू हो जाएगा। नित्यानंद भगवान वार्न करते हैं इसके अंदर, मत बोलो आई एम शिवा, ये बोलो कि मेरे में भी शिव है, सब में भी है, उसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो जब आप ये सत्य में बोलते हो तो भेद का आएगा, मुस्लिम में नहीं दिखेगा शिव आपको, झंडे गाड़ने वाले कभी नहीं देख सकते इस चीज को। तो वहां भक्ति होगी, आप मंदिर बनाते होंगे, पूजा करते होंगे, लेकिन भेद भक्ति है। उस भेद भक्ति को स्वार्थ भक्ति कहा गया, क्योंकि उस भगवान को भी जो आप पूजते हो, मंदिर में भी जो कुछ भी चढ़ाते हो, ये सब कोई आपकी स्वार्थ संसारिक लाभ के लिए है। गुरु पूजा भी जो आप करते हो, गुरु चरण में भी जो नतमस्तक होते हो, गुरु के दर्शन के लिए भी जो करते हो, किसके लिए करते हो? मुक्ति के लिए, बताओ, या इसके लिए, मेंटेनेंस के लिए? इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, हालात बिगड़े इसको सुधार दो, कोर्ट केसेस हटा दो, इसके लिए स्वार्थ भक्ति बोलते हैं। यहां तक इसलिए हट योग, यहां तक ठीक है सब, इसके बाद असली राजयोग शुरू होता है, जो भगवान नित्यानंद बोले आपकी दीक्षा यहाँ होती है, आपका एक्चुअल दीक्षा यहाँ है, एक्चुअल आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ शुरू होती है, इसके नीचे हट योग है। ये ऊपर नीचे इसी के अंदर हम करते रहते हैं, कर्मकांड भक्ति, भेद भक्ति, स्वार्थ भक्ति, ये इसी में फंसे रहते हैं। संसार का लोभ, संसार का ही सुख पाना, सारी प्रार्थनाएं, सारे जो कर्मकांड करते हो, हवन करते हो, संसार का भोग के लिए। तो इसलिए चिदाकाश गीता में भगवान नित्यानंद वांट्स, एनीथिंग बिलो द नेक डू नॉट डू, इट इज हट योगा, इट इज सिद्धि, इट विल कीप यू इन द वर्ल्ड, माया में फंसा रखेगा। आपको करना है राजयोग, यहां से जब प्रवेश होता है कोई, तो भीतर डुअलिटी मिटती है, भेद कंप्लीटली मिटता है। तो जब आप जाते हो, आप ज्ञान मार्ग की तरफ जा रहे हो, ये फाइनल ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, सर्व ज्ञानोत्तर, स्कंद एक्टिव होता है आपका, कार्तिकेय एक्टिव है, शिव पुत्र, शिवा शिवा पुत्र, शिवा शक्ति, शिवा पुत्र, ये तीसरा नेत्र जब खुलता है, वो शिव का नेत्र नहीं जो खुल के आपको भस्म करे, आपके अज्ञानता को भस्म करता है शिव का नेत्र। हम अज्ञानता में बैठे हैं कि वो खत्म कर देंगे दुनिया, वो खत्म नहीं करता। शिव सूत्र जानो, शिव का ज्ञान अग्नि खुलना, यानी ज्ञान चक्षु खुलना, ये ज्ञान प्रकट होना, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतने घंटे से यहाँ, ये ज्ञान खुलता है और वो अज्ञानता मल को मारता है, अज्ञानता को जलाता है, भस्म करता है। तो शिव का तीसरा नेत्र खोलना और आपका तीसरा नेत्र खोलना एक ही है, क्योंकि आप ही शिव हो, शिव सूत्र बताता है। भैरव उद्यमो भैरव, यहां से भैरव जागृत होता है, इसके बाद भैरव आपको ले जाता है परा भैरव तक। जिनको भी इंटरेस्ट है, नेक्स्ट मंथ वी आर डूइंग शिव सूत्र 15 डेज कंप्लीटली विद प्रैक्टिसेस, उसके बाद विज्ञान भैरव तंत्र, प्रवचन नहीं, अनुभूति, शिव कृपा से, अरुणाचल कृपा से ही हो रहा है। सब आप जानेंगे असली शिव सूत्र क्या है। शिव सूत्र वो नहीं जो आपको भक्त बनाए, फिर कह रहा हूं, शिव सूत्र वो जो आपको शिव बनाए। तो मुझे वो शिव महापुराण के बारे में बताते, वो भक्त बनोगे आप, पुराण आप भक्त बनोगे, महादेव को पूजोगे,
महादेव कभी भी स्वयं जो हो वो बता समझ नहीं पाएगा, बोध नहीं होगा आपको। तो वो कहते हैं डुअलिटी मिटती है, द्वैत मिटती है, माय फॉर्म इज फॉर्मलेसनेस, मेरा आकार है निराकार। अब बताओ कौन सा अर्धचंद्र, कौन सा त्रिशूल, कौन सा जटाधारी, कौन सा सर्प रमाए हुए, कौन सा भस्म रमाए। कहते हैं आपका फॉर्म है ना, he says if you want the form, my form is formless। तो इसलिए वो बता रहे ज्ञान भैरव तंत्र में माँ पार्वती को, ना मैं अर्धचंद्र हूँ, ना मैं अर्ध नारेश्वर हूँ, ना मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, ना मैं ईड़ा पिंगला नाड़ी हूँ, ना सुषुम्ना हूँ, ना चक्र हूँ, ना कुंडलिनी हूँ, ना ये हूँ, ना वो हूँ। वो सब कॉन्सेप्ट्स मैंने दिया है मंद बुद्धियों के लिए, जिसकी बुद्धि ये समझ नहीं पाता उनके लिए मैंने दिया हुआ है। I exist everywhere, मैं हर जगह में हूँ, pervading all senses, हर इंद्रियों के परे हूँ। I am neither attached, nor free, nor captive, ना मैं किसी गठबंधन में हूँ किसी के साथ, ना मैं मुक्त हूँ, ना मैं बंधा हूँ। All this is अवधूत गीता, करो आप, you'll come to know। बंधन में भी नहीं हूं, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम मेरे शिव हो ना तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। बोलते हैं मुझे कि हम जिद करते हैं, हमें हक बनता है, हम गुरु से जिद करेंगे, करो वो सब नौटंकी यहाँ चलता है द्वैत में, भगवान से हट करेंगे, वो सब ठीक है, आपकी भाव भक्ति वो सब ठीक है, लेकिन एक हद होता है जब आप जाके समझ जाओगे उसको कोई लेना देना नहीं। इसलिए निसर्गदत्त महाराज ने बोले कि आपके भगवान आपको नहीं जानते। थोड़ा खराब लग सकता है, भगवान मुझे नहीं जानते, ये वो तत्व है, वो सिर्फ चैतन्य है, वो सजग है, वो जागरूक है, सब चीज को जागरूकता से देखता है, इट इज अवेयर, इज कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं बंधन में नहीं हूं, ना मैं मुक्त भी हूं बोल सकते हो। मुक्त तो तब बोल सकते हो जब बंधन में ही नहीं तो मुक्त का है का? और मैं हर जगह कण कण में हूं, हर एक चीज में हूं। ये बोलने से नहीं होता, मैं कण कण में हूं, ये डायलॉग अच्छा लगता है, भगवान मेरे कण कण में। फिर भी कण कण में हम सभी अलतू पलतू सब चीजें करते हैं, भगवान कण कण में उधर भी है, फिर भी गाली गलौज करते, फिर भी सब भेदभाव झगड़े वगड़े जो करना है सब करते हैं। तो ये डायलॉग मारने से नहीं होता, इसको अनुभूति, फॉर दैट यू नीड अवेयरनेस, 24/7 अवेयरनेस जागृत करना है, वो वही हम यहाँ करते हैं। लोग सोचते हैं माइंडफुलनेस है, नहीं है। तो मैंने बोला ना पिछले 3 साल से सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ मुझे पता नहीं, जो हो रहा है अनुभूति मैं शेयर कर रहा हूँ। और बाद में जाके 4-5 महीने पहले पता चला, जब किसी ने मुझे कश्मीर शैविज्म से इंट्रोड्यूस किया, तब जाके कश्मीर गया पढ़ने के लिए, जानने के लिए शिव सूत्र। अब तब बोध हो गया कि मैं जो 3 साल से सिखा रहा हूं वो विज्ञान भैरव तंत्र है। तो कौन सिखा रहा है? सारे जो अवेयरनेस प्रैक्टिस में बोल रहा हूं विज्ञान भैरव तंत्र, वही बता रहे हैं कि जब हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है तो भीतर का ज्ञान शिव सूत्र सब भीतर से ही खुलता है, लेकिन समय लगता है जब हम इसको तालमेल करके पहचान पाए कि सब ये हमारे भीतर ही है। तो मेरा काम इतना ही है कि आपको बार बार लगातार याद दिलाऊं कि ये सब आपके भीतर है, लेकिन तत्व सही पकड़ो और ज्ञान सही पकड़ो, सद्वासना रखो और फिर हिम्मत करके इन सब चीजों के ऊपर ध्यान करो और आप पहुंचोगे। तो आई एम सो वेरी हैप्पी कि एक जमाने में 10-15 लोग बैठते थे, अभी 80-90 लोग, 80-90 पीपल इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम 6-7 कंट्रीज लगातार देखते हैं, वेबिनार्स करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रिट्रीट 6-7 कंट्रीज से आते हैं, चुने गिने चुने 15-20 लोग आते हैं और गहनतम से हम ये सब चीजें करते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं सोचा भी नहीं था, मैं सोचा था ये नहीं होगा, लेकिन जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया सब चीजों को तो होने लग गया, तो उसका आभामंडल बढ़ गया। तो इफ यू वॉन्ट यू कैन, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो लास्ट पैरा मैं एक बार गा के इसको खत्म करता हूँ, निर्वाण शटकम, आपको ध्यान करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम।
इन वेबिनार्स एंड ऑल, इस पर हम ध्यान भी करते हैं. यू विल हैव अ डिफरेंट फ्लेवर. घंटे घंटे आपको पता नहीं चलेगा, दो घंटे तीन घंटे कब निकल गए. वेबिनार्स में हम छः घंटे बैठते हैं, पता भी नहीं चलता. तो दिस कमिंग डे वी हैव इनर चाइल्ड हीलिंग एंड नेक्स्ट वी हैव रीसेट एंड रिपर्जिंग, क्लियरिंग कार्मिक डेब्ट्स प्रोग्राम्स ऑन संडेज, दिस संडे, नेक्स्ट संडे. जिसको भी इंटरेस्ट है ज्वाइन कर सकते हैं. उससे पहले तीन दिन का फ्री सेशन है, डेढ़ घंटे का. जहाँ वहाँ वहाँ पर भी हम धुलाई करेंगे, लेकिन असली जो टेक्निक्स मेथड्स और वो जो है जो आप लगातार करके स्वयं आप चीज़ों को हटा सकते हो, खाली बन सकते हो. इसके लिए खाली चाहिए, सारे क्लटर, सारे वाइब्रेशंस मिटा के, सारे कॉन्सेप्ट्स मिटा के, गो इनटू दैट शून्यता, गो इनटू द स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस. बिकॉज शिवा सेज आई एम प्योर अवेयरनेस, विज्ञान भैरव तंत्र ही सेज आई एम प्योर अवेयरनेस. तो अगर आप इंटरेस्टेड है यू कैन जॉइन. अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियानं न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम. Just become aware for 2 minutes. जो भी हमने आज चिंतन किया, जो भी हमने आज स्मरण किया, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, गुरुमंडल कृपा से, परम कृपा से, सारे एक ही तत्व है, नाम हम अलग लेते हैं. This is all for our own बेनिफिट्स एंड कम्फर्ट्स. अपनी तसल्ली के लिए हम ये सब अलग अलग बोलते हैं. शिव कृपा, परमात्मा कृपा, ईश्वर कृपा, इसी के वजह से हमें सानिध्य मिलता है, हमें मौका मिलता है, हमारे अंदर अद्वैत वासना जागृत होती है. सजग हो जाए उस अद्वैत तत्व के प्रति जो मेरे भीतर उमड़ रहा है, जो कृपा का दूसरा नाम है. मेरे अंदर ये सद्वासनाएं जो आती है, जो मुझे गतिशील करती है, जो मुझे प्रेरणा देती है, जो मुझे हमेशा सत्य के राह पे चलने पे मजबूर करता है, जो मुझे रोज याद दिलाती है, जो मेरी तलब को बढ़ाती है, प्यास को बढ़ाती है, जो मुझे क्षण क्षण अपने करीब खींचता है, जो मुझे हर क्षण मुक्त करता है, इस ईश्वर की कृपा के प्रति सजग. क्योंकि जब हम इसके प्रति सजग होते हैं तो आभार प्रकट होता है. आभार प्रकट करो, फील द ग्रैटिट्यूड ऑफ बीइंग ब्लेस्ड ऑन दिस जर्नी. सारे टूल्स, माध्यम जो भी हमको मिलना है समय समय पे वो पहुंचाते हैं. एक नहीं तो दूजा, दूजा नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और. ये तत्व रुकता नहीं है किसी से. आई एम फुली वर्दी टू रिसीव. मेरे में कभी ये भेद ना आए, कभी ऐसी चिंता या ऐसी सोच ना आए कि मैं काबिल नहीं हूं. क्योंकि शिव कहते हैं आप परमात्मा स्वरूप हो, आप ही शिवो हम हो. वो जो कहता है कि मैं काबिल नहीं हूं, वो अहम है मेरा, वो मन है मेरा, दूषित मन है जिसमें मेरे विकार, मेरी वासनाएं हैं.
जो मुझे याद दिलाती है कि मैं काबिल नहीं, लेकिन मैं ना मन हूँ, ना कोश हूँ, ना अहम हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसके लिए यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम ईगो माइंड कॉन्शियसनेस टू अवेयरनेस। यही शिफ्टिंग टू अवेयरनेस है। जब आप वहाँ से शिफ्ट करके इस स्थिति में आके सब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हो, तो वर्दीनेस जो है आपका बढ़ जाता है, अनवर्दीनेस उसी तुरंत उसी क्षण गिर जाता है, उसी क्षण। तो ये जो मुझे आभास दिलाया और ये जो मुझे एक शिफ्ट देता है, वो ईश्वर कृपा है, अनुग्रह शक्ति ऑफ शिवा, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रार्थना इतना ही है कि मेरे मन में हमेशा सद्वासना जागे, शुद्ध भावना जागे, सत्य के प्रति हमेशा भावना जागे, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कुछ भी आ जाए सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, सत्य के संग सत्संग सत्संग में रहूंगा, जो भी जहां पे भी सत्य होता है मैं उसके साथ रहूंगा, बाहर के सत्संग नहीं तो भीतर के सत्य के साथ जब मैं बैठूंगा, खुद के साथ ध्यान करूंगा, अपने ही सत पुरुष जो है सच्चित सत के साथ संग जब मैं बैठूंगा, उसी को सत्संग कहते हैं, सेल्फ एब्सॉर्प्शन मेडिटेटिवनेस। और यहां हम बोलते हैं मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेटिव होना है 2400 घंटे तीनों अवस्था में, जागृत सुषुप्ति स्वप्न में, इसका प्रैक्टिस करके इस तत्व को जागृत करना है, यह बोध करना है कि मैं ही वो चैतन्य हूं। उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम निरंतर कैसे उस सजगता में रहे। आपके शरीर के प्रति सजगता, बिकम अवेयर ऑफ द वन हु सीज थ्रू योर आईज, हु लिसन्स टू द इयर्स थ्रू द इयर्स। ध्यान करो, शरीर नहीं देखता, आप देखते हो आपके आंखों के द्वारा, आंख तो खिड़की है, आप खिड़कियों से झांक के देखते हो तो आप शरीर नहीं हो, आप वो प्रेजेंस हो। बिकम अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस जो फैला हुआ है पूरे शरीर में। कल आप लोगों ने जो ध्यान किया पूरे आधा पौना घंटा, पूरे शरीर के तत्व पे जो हीलिंग और वेलबींग भी लाता है, ध्यान करो कौन है वो जो घुटने को स्पर्श कर सकता है भीतर से। बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस, बिकम अवेयर ऑफ योर होल बॉडी, पूरे शरीर के प्रति सजगता, एक अनुभूति पूरे शरीर का, मैं हड्डी भी हूँ, ऑल माई स्केलेटन, बिकम अवेयर, मसल्स ब्लड सर्कुलेशन मैं ही हूँ। एवरीवेयर आई एम स्प्रेड इन माई बॉडी, सारे जो ऑर्गन्स है ब्रेन से लेके टो तक, वन अवेयरनेस। आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया, इट्स इजी नाउ, ऑल ऑर्गन्स एक्टिवेटेड, होल स्केलेटन एक्टिवेटेड, बॉडी एक्टिवेटेड, स्किन एक्टिवेट, सारा जो आपकी त्वचा है सजग, त्वचा जो स्पर्श कर रहा है शरीर को, कपड़ों को, बिकम अवेयर ऑफ द होल clothes, become aware, who is becoming aware, presence, हड्डियों का भी आभास है, अनुभूति है, मांसपेशी का भी है, त्वचा का भी है, कपड़ों का भी है, जिस कुर्सी पे बैठे हो उसका भी है, नीचे फर्श का भी है, जो भी चीज आपके शरीर को इस वक्त छू रही है
become aware of it. You, the presence, observe करो आपकी प्रेजेंस कैसे पेनेट्रेट कर रही है आपके बॉडी से, स्किन से, क्लोथ से, और सारे ऑब्जेक्ट्स को टच कर रही है. ये प्रेजेंस फील कर रही है आपके शरीर के माध्यम से. शरीर आप नहीं हो, शरीर को चलाने वाला आप हो. एक्सपांड दैट इनटू द रूम. बिकम अवेयर ऑफ द होल रूम, होलोनेस, स्पेस जो है. अब देखोगे आपका चैतन्य बाहर भी, अंदर भी, बाहर भी फैल सकता है, जहां आप ले जाओ. फिल योरसेल्फ इन द होल रूम. अपने आप को, अपने ऑरा को बढ़ा के, प्रेजेंस को फैला दो सारे कमरों में, सारे घर के अंदर फैला दो, और स्पर्श करो. आपका छठा सेंस जो है, तीसरी आंख जो है, खुलना शुरू हो जाएगा जब आप ये प्रैक्टिस करते हो. ज्ञान चक्षु खुलेगा, दिव्य चक्षु. When you start experiencing beyond five senses, स्पर्श करो सारे दीवारों को, आपके घर को. और घर से बाहर चले जाओ, घर के बाहर जो आपके टाउन है, कम्युनिटी है, सिटी है, फैलाओ अपने आप को, पूरे आकाश तत्व में फैला दो. सब चीज में अनुभव करो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश. जैसे आप आकाश में चले जाओगे, सारे ग्रह भी टच कर रहे हो आप, सारे ब्रह्मांड टच कर रहे हो. ब्रह्मांड के अंदर जो भी आया, सबको स्पर्श, सब कुछ छू रहे हो. मैंने बताया ना आपके और मेरे बीच और बीच में क्या है अंतर, सिर्फ आकाश. आकाश में रम जाओ, सारे भेद मिट जाते हैं. एक्सपीरियंस द होल वर्ल्ड थ्रू योर कॉन्शियसनेस. चैतन्य से, प्रेजेंस से फील करो. शिव का एक्सपीरियंस इज समवॉट वेरी क्लोज, इसलिए वो कहते हैं आई एम एवरीवेयर. इस लास्ट वर्स में आई एग्जिस्ट एवरीवेयर, परवेडिंग ऑल द सेंसेस. नीदर एम आई अटैच नॉर फ्री नॉर कैप्टिव. अब आप बताओ, अगर आपकी अनुभूति हो रही है, सबके साथ एक हो, सब चैतन्य के साथ ही हो, तो किसके साथ बंधन है और किसके साथ फ्री हो सकते हो आप? गुरु के साथ भी आप दूर नहीं हो सकते हैं इस अनुभूति से, सब एक ही है. तो शिव इस अनुभूति से रहते हैं. हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि शिव सिर्फ प्योर अवेयरनेस है. दिस इज हाउ इट इज अवेयर. जज नहीं करते हैं, ओपिनियन नहीं है कोई चीज, वो सब काम शक्ति का है. निश्चल तत्वम. इधर तक भी अगर आपको बोध है तो काफी है. ये शिव तत्व नहीं है, इसके परे जो जाए हम, आकाश तत्व से परे, वो चिदाकाश होता है. तुरिया के परे जो जाते हैं, तुरियातीत, हम वहां पहुंचते हैं. वो सब प्रैक्टिस लगेगा. तो ये एक छोटा सा भी अनुभव कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं विस्तार में फैला हुआ, आई एम द प्रेजेंस. सो ये फर्स्ट छोटा मोटे प्रैक्टिस है जो आप पकड़ सकते हैं. तो किसके साथ बंधन है? फ्रॉम हियर यू कैन सिंग. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप
शिव हम शिव जो जाए हम आकाश तत्व से परे आकाश जो भी लोग आज जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सब है इसलिए सत्संग होता है। तो आई बाउ डाउन टू योर प्रेजेंस टुडे हियर। तो आज का हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मे वी ऑल बी ब्लेस्ड, मे वी ऑल बी फ्री, मे वी ऑल इवॉल्व। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया, जो आज स्मरण कर रहे थे, जो आज ध्यान कर रहे थे, जो मेरे साथ थे, जो इन तत्वों को समझ रहे थे, जो स्थिति में है अब इसी स्थिति में जाके बिना और कुछ किए जाके सो जाना, और जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं निद्र की अवस्था में जब आप प्रवेश भी कर रहे हो, इसी आभास में प्रवेश करो, करते प्रैक्टिस करते जाओ। ये फिर आपकी नेक्स्ट अवस्था जो है निद्रा यानी सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा अवेयरनेस, फिर वहाँ से स्वप्न में, और ये जो तीनों अवस्था है त्रिपुरा रहस्य, इसको प्राप्त करने की ही हमारी अभी फिलहाल में चेष्टा होती है। तो आज के लिए इतना, जो भी बचे कुचे हैं मुझे मालूम नहीं सभी है कि नहीं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कल जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे प्रेपरेटरी सेशंस फ्री है फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, नेक्स्ट 3 डेज फ्री रहेगा, इट विल बी ऑल इन इंग्लिश, बट यू आर मोस्ट वेलकम, बट यू विल हैव टू ज्वाइन shiftingintoawareness.com/join। वेबसाइट शायद एक दो दिन थोड़ा ग्लिटरी है क्योंकि वो कुछ चल रहा है उनका माइग्रेशन, तो उसके बाद अवेलेबल रहेगा, यू कैन ज्वाइन, फिर आपको डायरेक्टली लिंक आ जाएगा, यू आर फ्री टू ज्वाइन फ्री। अगर आपको लगे कि आपको वो जो पेड भी होता है वो करना है, कर सकते हो, कोर्सेज करना है, दैट ऑल्सो इज अवेलेबल shiftingintoawareness.com/courses। ज्वाइन करना है तो /join, इवेंट्स के लिए /events। तो बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं निद्र की अवस्था में जब आप प्रवेश में कर रहे हो, इसी आभास में प्रवेश करो, करते प्रैक्टिस करते जाओ, ये फिर आपकी नेक्स्ट अवस्था जो है निद्रा यानी सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश होना।